देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर दो क्वेश्चन होमवर्क में लिए थे, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17। ये जो है हम लोग का ओवर एट का जो भी मेथड, लास्ट दिन हम लोगों ने जो स्पेसिफिकली पढ़ा था वो है ओवर एट को किस तरह से, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टोटल कॉस्ट को फिनिश गुड्स में चार्ज करना है और उसके लिए कौन सा मेथड फॉलो करना है, उसमें हम लोगों ने 6 मेथड देखा। ठीक है। गुड मॉर्निंग नंदिनी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये मैंने पढ़ के भी थोड़ा सा बता दिया था क्वेश्चन। ठीक है अभी फिर से एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में ये वाला कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर तीन डिपार्टमेंट था बेसिकली। ये काम क्या हो रहा था इस कंपनी में, एक प्रिंटिंग कंपनी था, तो प्रिंटिंग रिलेटेड जो भी काम होता है तीन डिपार्टमेंट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। प्रिंटिंग बाइंडिंग का एक डिपार्टमेंट बना रखा है, लिथोग्राफिंग का एक डिपार्टमेंट है, एनग्रेविंग का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है। और क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर जो ओवर हेड का रेट यूज हो रहा है वो एक सिंगल प्री डिटरमाइंड रेट यूज हो रहा है। ठीक है। सिंगल प्री डिटरमाइंड रेट यूज हो रहा है। प्री डिटरमाइंड तो होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री डिटरमाइंड मतलब एस्टिमेटेड, पहले ऐसे हुआ था तो अभी ऐसा हो सकता है, इसको प्री डिटरमाइंड बोलते हैं। बट एक ही रेट सारे डिपार्टमेंट में यूज होता है, जबकि हमें पता है कि कौन सा रेट कब यूज करना चाहिए, उसका बेसिस होता है। ठीक है। जैसे कि अगर ज्यादा ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड काम हो रहा है और ह्यूमन बीइंग का टाइम ज्यादा मायने रखता है फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो लेबर आवर। ठीक है। कॉस्ट ज्यादा मायने रखता है तो लेबर का कॉस्ट। मशीन इंटेंसिव काम हो रहा है तो मशीन का कॉस्ट मतलब मशीन आवर बेसिस पे होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये लोग सिंगल रेट यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये जो सिंगल रेट ये लोग यूज कर रहे हैं ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। ठीक है। ये सही अप्रोच नहीं हो रहा है। ठीक है। ये ऐसा लग रहा है इनको सही अप्रोच नहीं हो रहा है और इसके वजह से डेफिशिएंसी भी क्रिएट हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि हर एक ओवरहेड को स्पेसिफिक वे से करें और इन्होंने इस वजह से एनालिसिस किया और तीनों डिपार्टमेंट में देखा कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, देखो इन्होंने देखा कि पहला जो डिपार्टमेंट है यानी डिपार्टमेंट वन, यहाँ पर तीन सिमिलर मशीन्स है जो कि यहाँ पर मशीन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो इसका मशीन का रिपेयरमेंट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन चार्जेस ये सब भी हाई है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा बेसिस लेना चाहिए, तो ये इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए थे कि प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग क्योंकि मशीन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है तो मशीन आवर रेट बेसिस पे होना चाहिए। ये इजीली बोल भी दिया था तुम लोगों ने और किया भी होगा। ठीक है। तो हम ये फटाफट एक बार लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा ओवर हेड रेट पर मशीन आवर। ठीक है। कितना हो जाता है, कैसे बेसिस कैलकुलेट किया जाता है, ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। ठीक है। तो टोटल ओवरहेड कितना है, पहले डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड देखो कितना है, 40,000। हाँ बोलो कितना, 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000। हाँ 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000। 20,000 क्या है, ये आवर में है। ठीक है। तभी तो आएगा रुपीस पर आवर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, रुपीस 2। ये तो इजीली आइडेंटिफाइबल था। उसके बाद फिर से ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना था और वो भी बता दिया था तुम लोगों ने कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो देखो मुझे लगा कि कोई एंटर कर रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया था कि डिपार्टमेंट 2 में द वर्कर परफॉर्म गुड मॉर्निंग तो था। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग इंकी। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है। अच्छा अब देखो
हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस किए थे होमवर्क में वही वाला पॉइंट अभी कंप्लीट किया है, मतलब जस्ट एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड रेट क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर क्या बोला था, देखो बोल रहा है कि सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर ईच ग्रुप बींग पेड द सेम आवरली वेज रेट, ठीक है। अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर है, ठीक है, और सभी को एक तरह का वेज रेट दिया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या मायने रख रहा है, जैसे मान लो कि कुछ वर्कर हैं, ठीक है, ये वाला वर्कर, ये तो थर्ड वाला है, वर्कर परफॉर्म सिमिलर टास्क, जो भी वर्कर है वो एक ही जैसा काम करते हैं, चाहे कोई भी वर्कर हो एक ही जैसा काम करते हैं, मतलब सेम क्लास ऑफ वर्कर होगा, क्योंकि अगर सभी एक ही जैसा काम करते हैं, अगर स्किल्ड लोग स्किल्ड काम है तो सभी स्किल्ड वर्कर होंगे, सेमी स्किल्ड वाला काम है तो सभी सेमी स्किल्ड होंगे, अनस्किल्ड वाला काम है तो सभी अनस्किल्ड होंगे, मतलब अगर वर्कर सिमिलर टास्क करते हैं मतलब सेम क्लास ऑफ वर्कर है, ठीक है, सेम क्लास ऑफ वर्कर है, और इन्हें सेम आवरली वेज रेट दिया जाएगा। अगर एक ही जैसा काम करेंगे तो एक ही पेमेंट मिलेगा, मान लो ₹10 एट द रेट ऑफ ₹10 पर आवर बेसिस पे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा बेसिस लेना चाहिए, लेबर का दो होता है, एक होता है लेबर आवर के हिसाब से और एक होता है लेबर का वेजेस के हिसाब से, तो ये कौन सा ज्यादा, मतलब कौन सा ज्यादा इम्पैक्टफुल है यहाँ पर, लेबर का आवर या लेबर का वेजेस, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ये दोनों जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम दोनों को सिमिलर मतलब साइमल्टेनियसली लिख रहे हैं। दूसरा बोला है देखो सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर, मतलब कुछ स्किल्ड वर्कर है, मान लो यहाँ पर कुछ स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, कुछ सेमी स्किल्ड वर्कर है, यहाँ पर मान लो कुछ सेमी स्किल्ड वर्कर है और कुछ अनस्किल्ड वर्कर है। मैंने क्लासेस अपने मन से दे दिया, क्लासेस ऑफ वर्कर में स्किल्ड सेमी स्किल्ड इस तरह से, ठीक है, कुछ अनस्किल्ड वर्कर है, अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर है, ईच ग्रुप बीइंग पेड द सेम आवरली वेज रेट, हर एक ग्रुप का वेज रेट सेम होगा, मतलब मान लो इनको मिलता है एट द रेट ऑफ 15, इनको मिलता है एट द रेट ऑफ 10 और इनको मिलता है एट द रेट ऑफ 5, ये जो चार लोग हैं इनको 5 करके मिलेगा, चार लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन इनके साथ इनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, मतलब ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्कर है, सेवरल मतलब अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर, ठीक है, और सभी को सेम आवरली वेज रेट दिया जाएगा, सेम इन द सेंस कि हर एक क्लास में सेम आवरली वेज रेट होगा। तो अगर स्किल्ड का 15 है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, सेमी स्किल्ड का 10 है और इनका 5 है। अब यहाँ पर भी वही आ जाता है कि हमें कौन सा क्या करना चाहिए, लेबर आवर या लेबर वेजेस। अब मुझे बताओ कि कहाँ पर वेजेस मायने रख रहा है, ये तो समझ में आ जाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पर 10 10 10 सभी को एक तरह का वेजेस दिया जा रहा है, यहाँ पर 15 10 5, तो मुझे ये बताओ कि वेजेस कहीं कोई भी सेक्टर में वेजेस का इंपैक्ट ज्यादा रहा है, कौन से वाले में आ रहा है, डिपार्टमेंट ये 2 वाला केस है, ये डिपार्टमेंट 3 वाला केस है, तो मुझे बताओ कि वेजेस कहां पर मायने रखेगा, वेजेस इंटेंसिव कौन सा वाला केस है, डिपार्टमेंट 2 हुआ कि डिपार्टमेंट 3 हुआ, बताओ क्या लगता है, सोचो एक बार, सोच के देखो, और डिपार्टमेंट और लेबर आवर कौन सा होगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आवर ज्यादा इम्पैक्टफुल है क्या, देखो यहाँ पर तो वेजेस कितना है 10 10 10, आवर इम्पैक्टफुल कहाँ पर होगा, यहाँ पर आवर के हिसाब से वेजेस चेंज होगा या फिर वेजेस के हिसाब से आवर चेंज होगा, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मान लो कोई 8 घंटा काम कर रहा है तो उसे भी 10 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा, कोई 10 घंटा कर रहा है तो भी वेजेस 10 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा, कोई 9 घंटा कर रहा है तो भी 10 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा, कोई 5 घंटा कर रहा है तो भी 10 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा, यानी यहाँ पर टाइम ज्यादा मायने रख रहा है कि वेजेस ज्यादा मायने, वेजेस तो सेम है, वेजेस में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, टाइम चेंज होने से वेजेस चेंज हो रहा है, तो कौन सा ज्यादा इम्पैक्टफुल है डिपार्टमेंट 2 में, टाइम या वेजेस, टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर लेबर आवर बेसिस पे होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि टाइम मायने रख रहा है, अगर वर्कर ज्यादा टाइम काम करेगा तो उनको ज्यादा पेमेंट चला जाएगा, ठीक है, देना पड़ेगा एक्चुअली। और डिपार्टमेंट 3 में देखो, यहाँ पर अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर है इसलिए अलग अलग वेजेस का पेमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मान लो यहाँ पर ये सभी डिपार्टमेंट में 10 घंटा करके ही काम हुआ, ठीक है, 10 घंटा करके ही काम हो रहा है, लेकिन इसके वजह से पेमेंट सबका सेम नहीं होगा क्योंकि वेज रेट अलग अलग है, तो यहाँ पर इम्पैक्टफुल क्या है, अगर सभी 10-10 घंटा भी काम करते हैं तो सबका पेमेंट एक जैसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर हो सकता था, तो यहाँ पर चेंजेस किस में है, टाइम में, टाइम ज्यादा इंपैक्टफुल है कि वेजेस ज्यादा इंपैक्टफुल है, बताओ, वेजेस, तो ये कौन से बेसिस पे होगा, ये वेजेस बेसिस पे होगा, टाइम पे नहीं होगा, ये कौन से बेसिस पे होगा, टाइम बेसिस पे होगा, वेजेस पे नहीं होगा, तो इस तरह से पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से हमें पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन से बेसिस पे होगा, कौन सा ज्यादा इम्पैक्टफुल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ओवरहेड रेट पर लेबर आवर सेकेंड डिपार्टमेंट का।
तो कैसे कैलकुलेट होगा, ओवरहेड का रेट देख लो कितना है, 50 ये वाला ओवरहेड का ये रहा 68,750 डिवाइडेड बाय आवर नहीं, ये किस पे होने वाला था, हाँ आवर पे होने वाला था, आवर कितना है 20,000। अब देखो कितना हो रहा है, 68,750 डिवाइडेड बाय 20,000 3.437 मतलब 3.44, और ओवरहेड रेट पर लेबर वेजेस, वेजेस के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ओवरहेड का रेट है 1,20,000 और वेजेस है 80,000, वेजेस मतलब कॉस्ट 1,20,000। तो ये भी रुपीस, देखो यहाँ पर ये भी रुपीस, रुपीस रुपीस कैंसिल होने से पर आवर बेसिस पे नहीं आएगा, परसेंटेज आ जाएगा, इसलिए लेबर वेजेस मेटेरियल वेजेस ये सब परसेंटेज में आता है। इनटू 100 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू 100, 150%, ठीक है 150% आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का होमवर्क था, और क्वेश्चन नंबर 17 भी होमवर्क था। अच्छा 17 के पहले हम लोग 16 कर सकते हैं, ठीक है उसके बाद ही 17 कर लेते हैं, यहाँ पर ये पेज ओपन ही है हम लोग का, 16 देन हम लोग 17 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में, फॉर ए डिपार्टमेंट द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट इज 2.50 पर आवर। ओवरहेड रेट मतलब अभी हम लोगों ने जो कंसेप्ट सीखा, ठीक है जिसपे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में एक किया था, आज एक किया, ओवरहेड का रेट कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल ओवरहेड, ठीक है एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड या फिर बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या होता है, एस्टिमेटेड बेसिस, जिस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे ओवरहेड को जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो वो आया है 2.50 पर आवर, ठीक है एक घंटे का 2.50, एंड द ओवरहेड अलाउंसेस आर एज फॉलोस, ठीक है। और ओवरहेड का कैसे अलाउंसेस है, देखो एक्टिविटी लेवल अगर 3000 आवर है तो ओवरहेड होगा 10,000 रुपीज, ठीक है अगर 3000 एक्टिविटी लेवल पे हम लोग 3000 आवर्स काम करेंगे तो ओवरहेड होगा 10,000 रुपीज, अगर हम लोग 7000 आवर्स काम करेंगे तो ओवरहेड होगा 18,000 रुपीज, अगर हम लोग 11,000 आवर्स काम करेंगे तो ओवरहेड होगा 26,000 रुपीज। हमें बोला है फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करो, पहला क्वेश्चन, उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। गुड मॉर्निंग विश्वजीत, अच्छा देखो तो क्वेश्चन ये है, मुझे एक चीज बताओ अगर एक्टिविटी लेवल चेंज होने पे कॉस्ट हमारा चेंज हो रहा है तो ये कैसा कॉस्ट है, बता सकते हो एक्टिविटी लेवल चेंज होने पे अगर कॉस्ट हमारा चेंज हो रहा है तो ये कैसा कॉस्ट है, वेरिएबल, हाँ जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है, ठीक है क्योंकि एक्टिविटी लेवल चेंज होने का मतलब क्या है, आउटपुट चेंज होगा। अगर हम लोग 3000 घंटे के जगह 7000 घंटा काम कर रहे हैं और इससे हमारा खर्चे में चेंजेस आ रहा है तो वो ऑब्वियसली वेरिएबल ही होगा, क्योंकि 3000 के जगह 7000 घंटा काम करने से कोई फिक्स्ड खर्चा तो कम ज्यादा नहीं हो जाएगा, जैसे रेंट कम ज्यादा हो गया ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका मतलब जो चेंजेस हो रहा है वो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहला बात है कि एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ इसका मतलब हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितना है ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी लेवल चेंज कितना हो रहा है, गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग, एक्टिविटी लेवल चेंज देखो एक्टिविटी लेवल चेंज कितना हो रहा है, एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है ये रहा
3000 से 7000, क्या हमें सिर्फ यही वाला दो लेके कंपेयर करना है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, 3000 से 11000 भी देख सकते हो, 7000 एंड 11000 का भी चेंज देख सकते हैं, सभी में सेम आंसर आएगा, किसी भी एक चेंज को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम पहला दो ही ले लेते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहला दो ही कंपेयर करेंगे, कोई भी कंपेयर करो सेम आंसर आएगा, हम दिखा भी देंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, देखो एक्टिविटी लेवल का चेंज कितना हुआ। अगर एक्टिविटी लेवल का चेंज हो जाता है 4000 आवर, क्योंकि मैंने पहला दो कंपेयर किया, एक्टिविटी लेवल चेंज अगर इतना होता है, इन दैट केस हम लोगों का बजटेड जो खर्चा है वो कितना चेंज हो जाएगा? तो इसको बजटेड अलाउंस बोला गया है, तो बजटेड अलाउंस चेंज कितना होगा? बजटेड ओवरहेड अलाउंस, ठीक है? अच्छा, मैंने लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए, बजटेड ओवरहेड चेंज ऐसे लिख देते हैं, की बात है। बजटेड ओवरहेड चेंज कितना हो जाएगा? 18000 माइनस 10000, है ना, यानी कि 8000 रुपीस का हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि चेंजेस कब किस में होगा, वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा चेंज नहीं होगा। हम 10 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो भी मेरा रेंट जो होगा, अगर हम 10000 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो भी मेरा रेंट उतना ही होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता। अगर कुछ चेंज होता है यूनिट चेंज में, तो यानी कि एक्टिविटी लेवल चेंज, एक्टिविटी लेवल चेंज मतलब देखो, ज्यादा टाइम काम कर रहे हो तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब हम लोग का जो भी चेंज हुआ है यहाँ पर वो वेरिएबल खर्चा हमें बताएगा, ठीक है? तो वेरिएबल ओवरहेड, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है? वेरिएबल ओवरहेड कितना हो रहा है पर आवर? रुपीज 8000 का चेंजेस हो रहा है 4000 आवर्स एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करने के वजह से, यानी रुपीज 2 पर आवर हो गया, ठीक है? इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 8000 रुपए का खर्चा दिख रहा है हमें, 4000 घंटा काम होने पे, मतलब 4000 घंटा काम एक्स्ट्रा होने पे 8000 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, 4000 आवर एक्स्ट्रा काम होने पे 8000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो 1 आवर मतलब 1 घंटा भी अगर एक्स्ट्रा काम होता है तो कितना खर्चा ज्यादा होता है, तो रुपीज 2 पर आवर, है ना? मतलब 1 घंटा भी एक्स्ट्रा काम होगा तो 1 घंटे में 2 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, 2 रुपीज का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि टोटल कॉस्ट को, देखो हम लोग अपने खर्चे को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते, एकदम बेसिक ऑफ कॉस्ट जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पर तुम लोग देख सकते हो एलिमेंट के हिसाब से मेटेरियल लेबर ओवरहेड, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल, इस तरह से टोटल कॉस्ट को यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल equal to fixed cost plus variable cost। क्यों ऐसा मैंने लिखा है? क्योंकि question में हमें वही पूछ रहा है कि बताओ fixed cost क्या है? हम लोगों ने variable cost निकाल रखा है, तो यहाँ पर cost को हम लोग दो part में divide कर लेते हैं, fixed cost और variable cost, ठीक है? कोई भी activity level ले लो, कोई भी activity level ले लो, 3000 ले लो, 7000 ले लो या 11000 ले लो, जो भी activity level ले लो, उसका total cost कितना है? 3000 का 10000, 7000 का 18000, 11000 का 26000। अगर हम लोग 3000 वाला ही लेते हैं तो 3000 एक्टिविटी लेवल पे टोटल कॉस्ट है 10000। हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता कितना है, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है। कैसे पता है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, यूनिट बेसिस पे डिपेंड करता है या फिर एक्टिविटी लेवल बेसिस पे जो हमें गिवन रहेगा। तो 3000 आवर्स अगर काम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, रुपीज 2 पर आवर बेसिस पे। अब ये तो तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोगों ने चेंज निकाला, लेकिन चेंज निकालने से क्या हुआ, ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है? और टोटल में क्या होता है, टोटल में वेरी करता है। जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट तो फिक्स्ड ही है ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 5 रुपए करके है तो वो 5 रुपए ही है। अब जो जितना यूनिट कंजम्पशन करेगा उसे उतना देना पड़ेगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट अगर रुपीज 2 पर आवर चेंजेस में आया है तो ये बाकी हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हमेशा इक्वल होता है, हमेशा सेम होता है। तो 3000 आवर्स काम करने पे 2 रुपीज करके वेरिएबल कॉस्ट हमें पता चल जाएगा, देन हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 6000 यहाँ पर हो गया 10000, therefore fixed cost equal to कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 4000, ठीक है? क्या ये 4000 हर एक एक्टिविटी लेवल पे चेक करेंगे तो मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा। तुम लोग यहाँ पर हम दिखा देते हैं, देखो अगर मैंने 3000 और 7000 का कंपेयर किया, अगर 7-11 का करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। देखो 7000 और 11000 में डिफरेंस कितना होता है, 3000 का, ठीक है? इसमें डिफरेंस कितना हो गया, सॉरी 4000 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा,
8000 का, ठीक है, तो 4000 और 8000 डिवाइड करो, फिर से वही 2 रुपया ही आएगा, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया ही आएगा। अच्छा, अगर तुम लोग इसके जगह कुछ और चेंजेस देखना चाहते हो लाइक 3000 और 11000, तो वो भी हो जाएगा 10 और 26, यहाँ पर 16000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8000, है ना, तो भी डिवाइड करोगे चेंजेस का तो भी 2 रुपीज आएगा। मैंने बोला ना कैसे भी करके देखो 2 रुपीज ही आएगा। और अगर 3000 के जगह कोई और कॉस्ट से चेक करना चाहते हो देन कर सकते हो। टोटल कॉस्ट 10000 लिखा है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट अगर 10000 के जगह 18 मतलब 17000 एक्टिविटी का करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7000 × 2, ठीक है, तो ये 14000 हो गया, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 4000 आएगा। या फिर 26 से करके देख लो, 26000 टोटल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 11000 × 2 यानी 22000, ये इधर आके माइनस होगा तब भी फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का 4000 ही आएगा, तभी तो वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। कोई भी एक्टिविटी लेवल ले लो फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा। तो ऐसे देखो हमारा पहला आंसर आ गया, ये बेसिकली ओवरहेड का क्वेश्चन है नहीं, ये यहां पर क्वेश्चन आ गया, ये नॉर्मल कॉस्ट का बेसिक सेंस वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 4000 रुपीज हो गया हम लोग का। अब हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, यहां पर द स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ Which the standard overhead rate has been worked out. Standard overhead rate कितना है 2.50 per hour, ठीक है, ये 2.50 per hour जो calculated है, worked out यानी कि जो calculated है, वो कौन से activity level को मान के किया गया है ये हमें बताना है, ठीक है, कौन से activity level को मान के किया गया है वो हमें बताना है। तो हम लोग कैसे calculate करेंगे, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पर लिख लेते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट इज रुपीज 2.50 पर आवर, ठीक है, रुपीज 2.50 पर आवर एंड वेरिएबल ओवरहेड रेट अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया रुपीज 2 पर आवर, ठीक है। अब इसके साथ इसका लिंक क्या है, अब ये है स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, अब ओवरहेड का भी तो फिक्स्ड और वेरिएबल होता है, मतलब ये इसमें भी क्या इंक्लूडेड है, वेरिएबल और फिक्स्ड, जिसमें से वेरिएबल हमें पता है तो हम लोग फिक्स्ड वाला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फिक्स्ड ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो क्या हेल्प होगा करने से, पहले लिख लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड रेट कितना हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड रेट इक्वल टू रुपीज 2.50 माइनस 2, ठीक है, तो ये हो गया रुपीज 0.50 फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर, ठीक है। अब एक घंटे का फिक्स्ड ओवरहेड रेट होता है 0.50 और फिक्स्ड ओवरहेड है 4000, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड हो गया है 4000, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक घंटा काम होने पे फिक्स्ड ओवरहेड होता है 0.50 रुपीज, ठीक है, तो 4000, मतलब इसको ऐसे लिखने से और भी अच्छे से समझ में आएगा कि 0.50 आवर सॉरी रुपीज 0.50 खर्चा होता है अगर 1 आवर काम होता है, तो रुपीज 0.50 फिक्स्ड ओवरहेड होता है अगर 1 आवर काम होता है, ठीक है, तो 1 रुपीज फिक्स्ड ओवरहेड होगा तो कितना टाइम काम होगा 0.50, और अगर 4000 रुपीज का फिक्स्ड ओवरहेड होता है तो कितना आवर काम हुआ होगा, तो वही हम लोगों का स्पेसिफाइड एक्टिविटी लेवल हो जाएगा जिस लेवल पे इस रेट को डिवाइड किया गया है, तो 4000 का डिवाइडेड बाय 0.5 यानी 8000 हो जाएगा, ठीक है, 8000 आवर डिवाइड करके देख लो, 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 8000 ही होगा ना डबल, तो 8000 आवर्स पे ये रेट डिसाइड किया गया है, ये जो 2.50 है ये एक्टिविटी लेवल कौन सा है जिस पे ये रेट डिसाइड किया गया है, 8000 आवर्स, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए किया, ऐसे नहीं करना है, हम लोग यहाँ तक करेंगे, ये वर्किंग नोट कर सकते हो, मतलब ये अपने समझने के लिए ये अलग से लिख लो, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल एट विच the rate has been determined is rupees 4000 divided by 0.50 per hour, तो रुपीज रुपीज कैंसिल, बचा क्या 8000
आवर, इसलिए आंसर आवर में आएगा. तो एक्टिविटी लेवल तो आवर में ही होगा क्योंकि यहाँ पर आवर में दे रखा था. ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा. तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया. अब होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17, ये मैंने होमवर्क में दिया हुआ था. ये देखो, ये वाला भी करवा देते. क्वेश्चन नंबर 17 मैम एक बार पीछे कीजिए ना. हो गया मैम. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या बोला है. इन ए सर्टेन फैक्ट्री 3 प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल बाय सिमिलर प्रोसेस. ठीक है, तो एक फैक्ट्री में 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन मतलब 3 अलग प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट का मटेरियल अलग है लेकिन प्रोसेस सेम है. ठीक है, मतलब रेडी होने का, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो सेम है, लेकिन जो फिनिश गुड्स है वो अलग अलग है. ठीक है, उसमें मटेरियल भी क्या है, अलग अलग है. ठीक है, अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है. फॉर ए टिपिकल पीरियड प्रोडक्ट कॉस्ट आर एज अंडर. तो प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, 3 प्रोडक्ट बन रहा है. तीनों प्रोडक्ट को रेडी करने का प्रोसेस सेम है लेकिन तीनों अलग अलग प्रोडक्ट है. मेटेरियल यूज इतना इतना और इतना, डायरेक्ट लेबर का खर्चा इतना हुआ है, ओवरहेड का खर्चा इतना हुआ है, ये एक्चुअल दे दिया है. मतलब एक्चुअली कितना हुआ है ये हमें बता दिया है. ओवर इट इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 25% ऑन प्राइम कॉस्ट. ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 है. ये थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम है. यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में ये बोला है कि ओवरहेड चार्ज करो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट. हर एक प्रोडक्ट के कॉस्ट में ओवरहेड को चार्ज करना है 25% ऑन प्राइम कॉस्ट बेसिस पे. पहले ये हमें करना है. ये एक क्वेश्चन है कि ओवरहेड को चार्ज करो 25% ऑन प्राइम कॉस्ट बेसिस पे, पहला क्वेश्चन. दूसरा बोल रहा है, डू यू सी एनीथिंग रॉन्ग इन प्रिंसिपल इन दिस मेथड. क्या हम लोग प्राइम कॉस्ट बेसिस पे अगर चार्ज कर रहे हैं तो क्या ये कुछ गलत चार्ज कर रहे हैं. पहले ये बोल रहा है कि देख के बताओ कि कुछ प्रिंसिपल रॉन्ग हो रहा है कि नहीं. अगर है, इफ सो सजेस्ट ए प्रेफरेबल मेथड. तो एक सही मेथड बताओ कि कौन सा इस प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा. तो प्राइम कॉस्ट का मेथड कब यूज होता है बोलो, जब हम लोगों का मेटेरियल और लेबर दोनों का खर्चा क्या होता है, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है ना, तब जाके हम लोग प्राइम कॉस्ट का यूज करते हैं. जैसे देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था जिस कंसेप्ट पे, वही वाला बता रहे. देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का कब होता है, कहाँ गया प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट है 5th नंबर पे, मैंने लिखवाया होगा तो 5th नंबर 3, 4, 5 ये रहा. अच्छा यहाँ मैंने मशीन, ये रहा प्राइम कॉस्ट मेथड. ठीक है, प्राइम कॉस्ट मेथड कब यूज होता है, व्हेन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो मुझे बोलो इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब क्या, जितना मटेरियल का खर्चा हो रहा है उतना ही लेबर का खर्चा हो रहा है. लेकिन यहाँ पर देखो मटेरियल का 1600, लेबर का 1600 कहाँ है, 1200 है. या फिर लेबर के साथ मटेरियल को चेक करोगे, ये 1200 है, ये 1600 है. यहाँ मटेरियल 2000 तो लेबर 1000, इक्वल कहाँ है, इक्वल तो नहीं है. मटेरियल से आधा खर्चा है लेबर का, मेटेरियल से आधा खर्चा है लेबर का, यहाँ पर मेटेरियल से आधा से थोड़ा ज्यादा खर्चा है लेबर का, लेकिन कोई भी इक्वल नहीं है. मेटेरियल और लेबर का खर्चा इक्वल नहीं, इक्वल होने पे प्राइम कॉस्ट यूज करना चाहिए. तो क्या प्राइम कॉस्ट यूज करना सही हो रहा है, मुझे ये बताओ क्या प्राइम कॉस्ट यूज करना सही हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है, पहला आंसर तो यही बोला था, बोलो कि प्राइम कॉस्ट यूज करना सही है कि नहीं. तो यस और नो बोलो, प्राइम कॉस्ट का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. नहीं, नहीं होगा. ठीक है, तो फिर क्या यूज करें, कौन सा प्रेफरेबल होगा. यहाँ पर देखो पहले मेटेरियल के बारे में बताया है कि मेटेरियल अलग अलग यूज होता है. मेटेरियल का खर्चा देखो सबसे ज्यादा है हमारे पास, जो भी मेथड है उसमें क्या है, एक है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल जहां पर मेटेरियल इंपॉर्टेंस होता है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर जहां पर लेबर का टाइम, लेबर का जो है कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस यानी जहां पर लेबर से ज्यादा टाइम काम करवाया जाता है, मशीन आवर बेसिस जहां पर मशीन पे ज्यादा काम होता है, मशीन पे ज्यादा खर्चा कर रखा है, प्राइम कॉस्ट बेसिस जहां पर लेबर मेटेरियल दोनों इक्वल होता है. तो यही तो कुछ मेथड थे, 6 मेथड. तो मुझे बोलो यहां पर फिर कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट होगा, बताओ कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट होगा. आवाज कट गया, और एक बार बोलो. डायरेक्ट मटेरियल. हाँ, डायरेक्ट मेटेरियल होगा क्योंकि मेटेरियल का खर्चा यहाँ पर सबसे ज्यादा है. मेटेरियल के बारे में देखो ना, थोड़ा सा हिंट्स भी दिया है ना कि मेटेरियल अलग अलग यूज हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब मेटेरियल काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के फिनिश गुड्स के लिए जो भी ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन का आंसर अब दे सकते हैं. हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया. तो पहला है कि हमें प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे चार्ज करने बोला है, फिर बोल रहा है कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं, अगर सही नहीं कर रहे हैं तो कैसे उसे सही करें. ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर लिखते हैं पहले प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी. ठीक है, मेटेरियल
मेटेरियल है 1600, 2000 और 800, ठीक है, ये सब रुपीस में है. लेबर, लेबर का क्या है, लेबर का है 1200, 1000 और 800, 400 इसका हाफ था, ठीक है. अब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट 3000, 1200, ठीक है. अब यहाँ पर ओवरहेड चार्ज करेंगे, ओवरहेड कितना करके चार्ज करने बोला है, 25% ऑन प्राइम कॉस्ट. तो 25% मतलब 1/4 होता है, 1/4 कर लो ये, मतलब 1/4 करने से क्या होगा और कुछ नहीं, हम लोग ओरली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे. 1/4 के हिसाब से सोचो, ये 700 हो जाएगा, ये 750 हो जा रहा है, ये 300, बाकी तुम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो. ऐड करने से ये हो जाएगा 3500, 3750, 1500, ठीक है, ये हो गया. बस हमें इतना ही पूछा था, मैंने टोटल करके एक बार दिखा दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है. ये पहला क्वेश्चन था, वहां पर वो प्रिंट नहीं है, ठीक है, दो क्वेश्चन है. अच्छा, अगर हमारा प्राइम कॉस्ट यूज करना सही नहीं है तो हमें क्या यूज करना चाहिए और उस पे रेट हमारा क्या होगा, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो क्यों यूज करेंगे, ताकि तुम लोग जब भी ये क्वेश्चन देखो तो याद हो जाए तुम लोग को कि क्यों हम लोगों ने ऐसा किया था. सिंस डिफरेंट मेटेरियल्स आर यूज्ड, यानी मेटेरियल पे इनको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इट इज एडवाइजेबल प्रेफरेबल एंड एप्रोप्रिएट to use the method of absorbing overhead on the basis of percentage of material instead of परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, ठीक है. तो जो चीज अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों प्राइम कॉस्ट नहीं होगा और कौन सा मेथड होगा, वही लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है. अगर प्राइम कॉस्ट में नहीं करके मेटेरियल यूज करते हैं तो हम लोग का ओवरहेड का रेट क्या होगा वो भी बता देते हैं. तो देखो, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन मेटेरियल कॉस्ट, कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ओवरहेड कितना है, ओवरहेड जितना है उस पे, ठीक है. तो मेटेरियल कॉस्ट कितना कितना है यहाँ पर, 1600, 2000 और 800. तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1600 बेसिस, ठीक है, इनटू 100, यहाँ पर हो जाएगा 2000 इनटू 100 और यहाँ पर हो जाएगा 800 इनटू 100, ठीक है. अच्छा देखो, यहाँ पर ये जो ओवरहेड है ये मत लिखो, क्यों नहीं लिखना है, ये एक्चुअल दिया हुआ है कि एक्चुअली कितना हुआ है, तो एक्चुअल हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है. हमें ये किसी और बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ये 25% बेसिस पे नहीं किया, उस पे करने से तो अलग ही होता है. हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, बजटेड लेते हैं, यानी एस्टिमेटेड. तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल वाला कैसे ले सकते हैं, एक्चुअल वाला नहीं ले सकते हैं. तो हम लोग जो मेथड से करने वाले हैं, मतलब जो मेथड सोचे थे फॉलो करेंगे, दैट इज 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये हम लोग का एस्टिमेटेड होगा. तो यहाँ पर क्या बोला है, डू यू सी एनीथिंग रॉन्ग इन द प्रिंसिपल इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड, क्या इस मेथड में कुछ गलती है, तो अगर है तो प्रेफरेबल मेथड बताओ, सिर्फ हमें मेथड बताने बोला है. तो यहां तक लिखने से आंसर कंप्लीट होता है, लेकिन इसका रेट अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो इस अमाउंट पे करना चाहिए, क्योंकि हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, एक्चुअल बेसिस पे नहीं होता है. तो ये हम लोग का एक्चुअल है, तो एस्टिमेटेड हमारे पास क्या है, ये है. अगर हम लोग प्राइम कॉस्ट बेसिस पे करते हैं तो ये हो सकता है. तो अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 700, 750 एंड 300 पे करना चाहिए, ठीक है, एस्टिमेटेड बेसिस पे. तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना कितना आ रहा है, 700,
डिवाइडेड बाय 1600 इनटू 100 43.75%. सेकेंड वाला 750 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 100 37.5%. अच्छा 300 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 25%. ये लास्ट वाला? यस मैम. 25 आ रहा है. नहीं ये भी तो 37.5 आ रहा है. देखो ही आ रहा है, 25 तो नहीं आ रहा, 37.5 आएगा. यस मैम, कर दिए थे. कुछ गलत कैलकुलेशन. अच्छा अब हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 13. ठीक है, इलास्ट्रेशन 13 करेंगे. देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इलास्ट्रेशन 13 में. सेल्फ हेल्प लिमिटेड हैज जेनसेट्स एंड प्रोड्यूस इट्स ओन पावर डेटा फॉर पावर कॉस्ट एज पावर कॉस्ट आर एज फॉलोस. ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना पावर डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं. इट्स ओन पावर, अच्छा, एंड प्रोड्यूस इट्स ओन पावर, अच्छा, डेटा फॉर पावर कॉस्ट. अच्छा, पावर प्रोडक्शन खुद करते हैं और उसका कॉस्ट बताया, पावर प्रोडक्शन का कॉस्ट बताया है. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो है ए बी, और सर्विस डिपार्टमेंट दो है एक्स वाई. सर्विस डिपार्टमेंट क्यों होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए. ठीक है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को भी सपोर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा कि एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. हॉर्स पावर आवर्स मतलब कितना टाइम, कितना टाइम, हॉर्स पावर क्या है, एक यूनिट है पावर को बताने का, एक यूनिट होता है. ठीक है, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर कितने आवर्स यूज हुआ है, 10,000, 20,000, 12,000, 8,000. नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई. ठीक है, मई के मंथ में कितना पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी जरूरत था, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज किया गया है, तो 8,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज है. फिर 13, 7,000, 6,000. आगे क्या बोल रहा है देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे कॉस्ट फॉर जेनरेटिंग पावर अमाउंटेड टू 9,300. क्योंकि ये लोग पावर जेनरेट करते हैं और उसी का डेटा हमें गिवन है, तो मई के मंथ में जो खर्चा हुआ पावर को जेनरेट करने का वो कितना है, 9,300. ऑफ दिस 2,500 वॉज कंसिडर्ड टू बी फिक्स. 9,300 का टोटल खर्चा हुआ है मई के मंथ में. ये पूरा मई मंथ का डेटा दिया हुआ है. मई मंथ में क्या दे रखा है, चार डिपार्टमेंट, दो प्रोडक्शन दो सर्विस, दो प्रोडक्शन और दो सर्विस डिपार्टमेंट, कितने हॉर्स पावर आवर्स यूज हुए और कितने कैपेसिटी में काम हुआ और खर्चा कितना हुआ. तो पूरे मई मंथ का खर्चा दे रखा है 9,300. मतलब ये पूरे मई मंथ का खर्चा दे रखा है 9,300, जिसमें से 2,500 फिक्स्ड है. तो वेरिएबल कितना है, माइनस करने से पता चल जाएगा. ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है डिपार्टमेंट एक्स रेंडर टू अदर डिपार्टमेंट इन द रेशियो. डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विस, एक सर्विस रेंडर करता है यानी प्रोवाइड करता है अलग अलग डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही ये सर्विस डिपार्टमेंट बना हुआ है. इन द रेशियो ऑफ 13:6:1. तो 13:6:1 इससे क्या पता चल रहा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को ये सर्विस प्रोवाइड करता है. 3:3 दे रखा है. इसका मतलब देखो, प्रोडक्शन को तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही बना है, तो प्रोडक्शन को करता है और वाई को भी करता है, ये भी कंफर्म हो गया ना. 13:6:1, तो 13 यहाँ पर 6, क्योंकि पहले ए है उसके बाद बी है, तो नॉर्मली ये 13 ए के लिए एप्लीकेबल होगा, बी के लिए 6, और 1 वाई के लिए एप्लीकेबल होगा. वाई रेंडर सर्विस एट ए एंड बी, सिर्फ ए और बी को सर्विस प्रोवाइड करता है 31:3 रेशियो में. यानी वाई एक्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगना चाहिए, तुम लोग ही बताओ यहाँ पर कौन सा मेथड लगना चाहिए. यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो तो करेगा ही, लेकिन एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो पहले वाले को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है, बोलो. मेथड तो तुम लोग कर लिया. हाँ, और एक बार बोलो, तुम्हारा आवाज आज बहुत कट जा रहा है. स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अच्छा स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा, देख लो एक बार स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा कि नहीं.
एक को सर्विस प्रोवाइड करेगा दूसरे को नहीं करने से स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मुझे याद नहीं आ रहा आज, या फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो एक बार, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। अच्छा ठीक है, तब स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक को प्रोवाइड करेगा दूसरे को, तो रिपीटेड किस में होता है, रिपीटेड वाला मतलब दोनों ही दोनों को सर्विस प्रोवाइड करेगा है ना, तब रिपीटेड होता है, बार बार जो होता है। हाँ ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए और बी डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर, गिवन दैट डायरेक्ट लेबर आवर इन डिपार्टमेंट ए एंड बी आर 1650 एंड 2175 आवर्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पावर कॉस्ट पर लेबर आवर इन ईच ऑफ दिस टू डिपार्टमेंट। अब बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर आवर डिपार्टमेंट ए में कितने लेबर आवर काम हुआ, डिपार्टमेंट बी में कितना लेबर आवर काम हुआ, वो दे रखा है। अब हमें बोल रहा है पावर कॉस्ट कैलकुलेट करो, पावर कॉस्ट मतलब पावर को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल खर्चा है 9300, इसको फिक्स्ड वेरिएबल करेंगे, फिर इसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, तो टोटल हमें खर्चा पता चल जाएगा, और टोटल खर्चा जो हो रहा है वो इतने टाइम इतने आवर्स काम होने पे हुआ, तो कॉस्ट पर लेबर आवर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों डिपार्टमेंट का, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट में तो कोई कॉस्ट रहेगा नहीं, वो खाली होके प्रोडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 30 नंबर देखो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर्टिकुलर बेसिस टोटल ए बी एक्स वाई। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट का नाम नहीं दे रखा है, जैसे अलग अलग होता है ना रेंट वगैरह, यहाँ पर फिक्स्ड और वेरिएबल होगा, टोटल 9300 और 2500 फिक्स्ड बोला है, तो फिक्स्ड कॉस्ट में 2500, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा, माइनस करने से ही पता चल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस 9300, चेक करते हैं 6800, ठीक है 6800। अच्छा अब फिक्स्ड कॉस्ट को कौन से बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि देखो दो बेसिस है हमारे पास, एक तो है प्रोडक्शन कैपेसिटी 8000 13000 7000 6000, एक है हॉर्स पावर्स आवर, ठीक है कितना टाइम काम हुआ है, तो मुझे बोलो फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो ही बेसिस है, कौन सा बेसिस कहां जाना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है, तो मुझे बोलो कौन सा होगा, वेरिएबल का सोचो समझ में आ जाएगा। कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, कैपेसिटी जितना यूज हुआ है, कैपेसिटी के चेंज होने पे कौन सा कॉस्ट चेंज होगा, वेरिएबल, तो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके वेरिएबल कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे कैपेसिटी बेसिस में, कैपेसिटी प्रोड्यूस्ड, और कैपेसिटी प्रोड्यूस्ड कितना कितना है, 3 3 0 हटा दो, 8 13 7 6, अच्छा टोटल करते हैं 8 13 7 6 34, 6800 डिवाइडेड बाय 34, तो ये हो गया 200 इंटू 8 1600, 200 इंटू 13 2600 है ना, 200 इंटू 7 मतलब 1400, 200 इंटू 6 मतलब 1200, ये हो गया। अच्छा अब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हॉर्स पावर आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है कितना हॉर्स पावर यूज हुआ है, तो ये तो फिक्स्ड है, हॉर्स पावर कितना यूज हुआ है फिक्स्ड है, इन द सेंस देखो कि हॉर्स पावर आवर कितना टाइम यूज हुआ है, कितना टाइम जो है पावर का यूज हुआ है, तो यहाँ पर 10 ये 0 हटा दो, 3 3 0 हटा दो, तो 10 20 12, 10 20 12 और यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हॉर्स हॉर्स पावर आवर्स, ठीक है फिक्स्ड कॉस्ट को इस पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो फिक्स्ड कॉस्ट कैपेसिटी पे तो होगा नहीं, तो हमारे पास एक ही बेसिस बचता है, तो हम लोग हॉर्स पावर आवर पे करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसका टोटल करते हैं 10 20
10 एंड 20, 30, 30 और यहाँ पर 20, मतलब 50. तो 2500 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितना हो जाएगा? 50, 50 इंटू 10, 500, 50 इंटू 20, 1000, 50 इंटू 12, 600, 50 इंटू 8, 400, ठीक है. अच्छा, अब इसका टोटल कर लेते हैं. 1600, 2000, 3600, 2100, 9300. ये तो 9300 होगा, ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये हो गया हम लोगों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एपोर्शन किया, एलोकेट नहीं किया, हमें दिया हुआ नहीं था, हम लोगों ने खुद अपने एक पर्टिकुलर साइंटिफिक बेसिस पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है. अब हम लोग करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. तो कॉस्ट ऑफ एक्स, मतलब पहला सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी दे दिया है, 13:6:1, इस रेशियो पे करना है, ये गिवन है, ठीक है. तो इस रेशियो पे करेंगे, यहाँ से 2000 लेस कर देते हैं. अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 7 + 13 = 20 डिवाइड करने से 100 यानी 13 × 100 = 1300, ठीक है. अच्छा, ये हो जाएगा यहाँ पर 100 × 6, मतलब 600, ठीक है, और 100 × 1 यानी कि 100, ये हो गया. नेक्स्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉस्ट ऑफ वाई, इसको टोटल कर लेते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा 1700, 4200, 3400, फिर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वाई, ठीक है. ये भी गिवन है, उसी बेसिस पे करना पड़ेगा. क्या बेसिस गिवन है? बेसिस गिवन है हम लोगों का 31:3, तो ये 34 हो जा रहा है. हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1700. अच्छा, डिवाइड कर लेते हैं. 1700 डिवाइडेड बाय 34, 50 × 31, 1550, 15 × 3, 150, 4350, 35000, नहीं ये गलत ऐड हो गया शायद, 4950 हो गया, ठीक है. तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, ओवरहेड का टोटल कॉस्ट निकल के आ गया. अब हमें दिया हुआ है कि कितना टाइम काम हुआ है दोनों डिपार्टमेंट में, ठीक है, 1650 और 2175. तो यहाँ पर लिखेंगे लेबर आवर्स, 1650 और 2175 आवर्स, ठीक है. इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो खाली करना ही था हमें. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ पावर पर लेबर आवर, ये हमें कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है. ये देखो यहाँ पर बोला है कॉस्ट पर लेबर आवर, ठीक है, कॉस्ट पर लेबर आवर, कॉस्ट पर लेबर आवर, ठीक है, कॉस्ट पर लेबर आवर, ठीक है. मतलब एक यूनिट पावर जेनरेट करने में लेबर का कितना कॉस्ट अप्लाई होगा, ठीक है. तो देखो 4950 रुपीस का खर्चा हो जाता है अगर 1650 लेबर आवर काम होता है, तो कॉस्ट पर लेबर आवर कितना हो जाएगा? इतना डिवाइड करने से ही पता चलेगा, 4350 डिवाइडेड बाय 2175 आवर. तो 4950 डिवाइडेड बाय 1650 3, और 4350 डिवाइडेड बाय 2175 2, ठीक है, रुपीस 2 पर आवर, ठीक है, ये खर्चा हमारा होगा, ठीक है. तो यहाँ पर देखो जैसे बोला था वैसे ही हम लोगों ने कर लिया, सिंपल हमें पढ़ के बस समझना पड़ेगा. और कौन सा फिक्स्ड में थे, कौन सा वेरिएबल में थे, कैसे पता चलेगा? क्योंकि कैपेसिटी चेंज होने पे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है. फिक्स्ड का हमें अलग से, देखो दो ही बेसिस है, तो फिर जो बचा हुआ बेसिस है वो हम लोग फिक्स्ड पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है. और ये है हॉर्स पावर आवर दिया हुआ था, ठीक है, कितना टाइम जो है हॉर्स पावर यूज हुआ है. अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि इन ए फैक्ट्री द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री आर चार्ज्ड
ऑन ए फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस बोल रहा है, एक फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, कोई एक फैक्ट्री का जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो चार्ज किया गया है फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस पे, एंड ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. ठीक है, तो जो वेजेस है फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस, जो फैक्ट्री का खर्चा है वो वेजेस के बेसिस पे चार्ज किया गया है, और जो ऑफिस ओवरहेड है वो वर्क्स कॉस्ट के हिसाब से चार्ज किया गया. अब वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉस्ट शीट का पार्ट है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने पे आता है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट, इसी का अलग नाम और एक नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट, इसी का ही और एक नाम है वर्क्स कॉस्ट. ठीक है, इसी वर्क्स कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे ऑफिस एंड ओवरहेड को चार्ज किया गया है. ठीक है, ये देखो दो ऑर्डर का है, ऑर्डर वन ऑर्डर टू. ठीक है, ऑर्डर वन, दो अलग अलग ऑर्डर पे मेटेरियल का खर्चा कितना हुआ, वेजेस का खर्चा कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है ये बता दिया है. फाइंड द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड, जो फिक्स्ड परसेंटेज बोला था वेजेस का वो कितना है फैक्ट्री ओवरहेड पे जो एप्लीकेबल होता है, और जो फिक्स परसेंटेज पे वर्क्स कॉस्ट के ऊपर चार्ज किया गया था वो फिक्स परसेंटेज ऑफिस ओवरहेड का कितना है ये हमें कैलकुलेट करने बोला है. दो फिक्स परसेंटेज जो है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया. ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम लोग मान लेते हैं, ऐसे assumption ले लेते, let percentage of factory overhead on wages x percent, percentage of office overhead on works cost इक्वल टू वाई परसेंट. हम लोग ये assumption ले लेते हैं कि परसेंटेज दोनों है x परसेंट और y परसेंट. अब हम लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते. ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते, पर्टिकुलर्स, ऑर्डर वन ऑर्डर टू. मेटेरियल, मेटेरियल का खर्चा कितना है 12,500, 18,000. लेबर का खर्चा है 10 और 14. ये दोनों ऐड करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ नहीं है तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा प्राइम कॉस्ट 22,500 और यहाँ पर हो जाएगा 32,000. ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है. ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कैसे ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड होगा फिक्स्ड परसेंटेज ऑन बेसिस ऑफ वेजेस. तो फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज कितना माना है एक्स परसेंट, तो फैक्ट्री ओवरहेड होगा एक्स परसेंट ऑन वेजेस, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है एक फिक्स्ड परसेंटेज वेजेस के ऊपर. तो वेजेस कितना है 10,000. अब 10,000 का एक्स परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू एक्स बाय 100, एक्स परसेंटेज 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, तो 100x होगा. ठीक है, ये कैलकुलेशन हमें समझना पड़ेगा. फिर 14,000 का एक्स परसेंट यानी कितना हो जाएगा 14,000, ये देखो 14,000 यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, 14,000 इंटू एक्स बाय 100 है ना, तो 0000 कैंसिल, तो 140x, तो आंसर हो जाएगा 140x. तो यहाँ पर लिख लेते 140x. अब ये दोनों ऐड करने से क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, या फिर इसका और एक नाम भी है प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है, तीनों नाम इसी पे एप्लीकेबल है, प्रोडक्शन कॉस्ट. अब ये ऐड करना पड़ेगा तो कैसे ऐड करेंगे, 22,500 प्लस 100x. ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 32,000 प्लस 140x. ठीक है, ये हो गया वर्क्स कॉस्ट. अब वर्क्स कॉस्ट के बाद कौन सा खर्चा आता है, ऑफिस ओवरहेड. ठीक है, ऑफिस ओवरहेड. अब ऑफिस ओवरहेड को क्या बोला है, एक फिक्स्ड परसेंटेज जो कि वाई माना है हम लोगों ने, यहाँ पर देख लो पहले क्या बोला है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो y परसेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट. ठीक है,
वर्क्स कॉस्ट का वाई परसेंट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस पे वाई परसेंट. तो हम यहाँ पर दिखाते हैं कैसे होता है कैलकुलेशन. 22,500 + 100x इस पे वाई परसेंट. वाई परसेंट मतलब वाई बाई हंड्रेड, ठीक है, वाई बाई हंड्रेड. तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, वाई बाई हंड्रेड मतलब ये इसमें वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और हंड्रेड से डिवाइड हो जाएगा. मतलब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, 22,500y प्लस 100xy, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ से 100 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 225y प्लस xy डिवाइडेड बाय 100. मतलब 100 कैंसिल, ये वाला बचेगा, ठीक है. तो ये ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये उतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं, अगर ये तुम लोग को चाहिए तो एक बार लिख लो. तो यहाँ पर टोटल करने के बाद आएगा 225y प्लस xy, ठीक है, y परसेंटेज चार्ज करने के बाद ये अमाउंट आएगा. सिमिलरली यहां पर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला, 32,000 ऐसे, 32,000 प्लस 140x इंटू वाई बाई 100, ठीक है. अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, यहां 100 कॉमन ले लो, 320, ठीक है, या फिर पहले वैसे ही दिखा देते जैसे पहले वाला किया तो तुम लोग को आसानी रहेगा. पहले y मल्टीप्लाई करो, 32,000 y प्लस 140 xy डिवाइडेड बाय 100. अब 100 कॉमन ले लो, 100 कॉमन लेने से बचा 320 y. कॉमन मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है. और यहां से अगर कॉमन लेंगे, 140 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0,0 कैंसिल, 1.4 हो जाएगा, 1.4 xy डिवाइडेड बाय 100, यानी ये आ जाएगा 320 y, ठीक है, 320y प्लस 1.4xy, ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन. अच्छा, अब ये दोनों को हमें ऐड कर लेना चाहिए, तब आएगा हम लोगों का वर्क्स फैक्ट्री ओवरहेड. ऐड करने से जैसे फैक्ट्री कॉस्ट आता है, वैसे ऑफिस ओवरहेड ऐड करने से आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एक्चुअली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ऐड होता है. तो हम लोग इसको टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद और कोई कॉस्ट नहीं है, तो हमारे पास इतना ही कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट. या फिर लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने का खर्चा, क्योंकि इसके बाद और प्रोडक्शन नहीं होगा. अगर सेल करवाने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा करना है तो कर सकते हैं. अब ये पूरा ऐड करके लिखना है, तो ऐड करके कितना लिखेंगे, 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy, ये हो गया. नेक्स्ट हो जाएगा 32,000 प्लस 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy, ठीक है, ये दो कैलकुलेशन हो गया टोटल कॉस्ट का, ठीक है. अब हम लोग को क्वेश्चन में एक टोटल कॉस्ट भी बताया था, देखो सेलिंग प्राइस बताया था और प्रॉफिट बताया था, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है सेलिंग प्राइस कितना है, देखो सेलिंग प्राइस है दोनों का 44,850 और इसका सेलिंग प्राइस है 61,880, ठीक है. और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है 15% और 12%. प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये प्रॉफिट जो है कॉस्ट पे बता रखा है, कितना है, 15% एंड 12%. प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट है, 15% और 12%. तो हम लोग यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका कॉस्ट कितना है. क्यों कॉस्ट ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें xy को सॉल्व करना है, हमारे पास टोटल कॉस्ट है, ठीक है. तो हम लोग सेलिंग प्राइस से अगर प्रॉफिट हटा देंगे तो हमें भी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, ऑर्डर वन और ऑर्डर टू का. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सेलिंग प्राइस से, देखो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अगर हम लोग सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को एलिमिनेट कर दे, हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, जिसको हम लोग इस दोनों इक्वेशन के साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं इंडिविजुअली. तो हम लोग अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस, अगर हम लोगों का 15% प्रॉफिट है कॉस्ट के ऊपर, तो सपोज कॉस्ट है 100 तो प्रॉफिट है 15, ठीक है, 15% ऑन कॉस्ट मतलब 15, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 115, ठीक है. सिमिलरली दूसरे वाले पॉइंट का अगर देखो, तो कॉस्ट है हम लोग का 100 तो प्रॉफिट है 12, तो सेलिंग प्राइस 112, ठीक है, ये हो जाएगा 112. तो हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है कि कॉस्ट कितना होगा. तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 इक्विवेलेंट टू कॉस्ट, देन 115 इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस, यानी 44850 इक्विवेलेंट टू 115. तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑर्डर वन कैसे कैलकुलेट करेंगे और कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑर्डर टू.
ऑर्डर वन कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ऑर्डर टू, ठीक है। तो 44,850 ये इक्विवेलेंट टू 115 है, हमें 100 का वैल्यू चाहिए, कॉस्ट का वैल्यू। और यहाँ पर 61,880 ये इक्विवेलेंट है 112 का, ठीक है, 112 का। तो 100 इक्वल टू कितना होगा, मतलब 112 इक्विवेलेंट टू 61,800, 1 इक्विवेलेंट टू 61,800 डिवाइडेड बाय 112, देन 100 इक्विवेलेंट टू कितना होगा। ये यूनिटरी मेथड होता है, उसी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग को टोटल कॉस्ट पता चलेगा हर एक ऑर्डर का, तो टोटल कॉस्ट देखते हैं कितना होता है कैलकुलेट करके। 44,850 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100, तो ये हो जाता है 39,000। और नेक्स्ट हो जाएगा 61,880 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112, 55,250, ठीक है, 55,250, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब ये दो कॉस्ट प्राइस है, ये हम लोग इसके साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं, जो इक्वेशन बना है, ठीक है, इसके साथ, ये लास्ट, ये जो टोटल कॉस्ट आया इसके साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं, तो और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ट्वेंटी टू 500 प्लस 100x प्लस 225y xy इक्वल टू 39,000, पहला इक्वेशन, ठीक है, 39,000, क्योंकि पहला कॉस्ट हम लोग का कितना आया, ऑर्डर वन का 39,000। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 225y प्लस यहाँ पर लिखते हैं 100x प्लस xy इक्वल टू, ये इधर माइनस कर देते हैं, 39,000 माइनस 22,500, तो ये आ जाएगा 16,500। इसको हम इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 32,140x, 320y 1.4xy इक्वल टू कॉस्ट कितना आया, 55,250। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 320y प्लस 140x प्लस 1.4xy इक्वल टू, माइनस कर लो, 55,250 माइनस 32,000, तो ये आंसर आ रहा है 23,250, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इक्वेशन वन इंटू 1.4 कर लेते हैं और इक्वेशन टू इंटू 1 कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, इक्वेशन वन को दोनों साइड में 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं कितना होता है, 225 इंटू 1.4, तो कितना आया, 315y प्लस 100 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा, 140x। अच्छा, 1.4xy, xy में 1.4 मल्टीप्लाई कर दिया और 16,500 में 1.4, 23,100, ठीक है। अच्छा, और इसमें 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई करने से उतना ही होगा जितना है, 140x प्लस 1.4xy इक्वल टू 23,250। और अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर देंगे, तो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, तो हर जगह पे ये माइनस हो जाएगा। अगर इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू होगा तो इक्वेशन वन से ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, देखो ऐसे करने से इजिली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर बच्चा माइनस 5y इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ठीक है, तो y इक्वल टू 150 और 5, तो ये हो जाएगा 30%, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया 30, मतलब 30 आ रहा है, 30% हो रहा है, एक्चुअली y हम लोगों ने परसेंटेज में लिया था। सिमिलरली x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है।
put y equal to 30 in equation 1. तो कितना होगा 225y plus 100x. 225y मतलब 30 plus 100x plus xy. x into 30 equal to 16,500. Equal to 16,500. अच्छा अब ये कितना हो जाएगा 100x plus 30x. Equal to 16,500 minus, ये minus हो जाएगा 225 into 30, ठीक है? तो 6,750 minus 16,500, 9,750, तो 130x equal to 9,750 divided by 130, तो ये हो जाएगा 75, तो x equal to x इक्वल टू 75, ठीक है? x का वैल्यू हो गया 75, तो 75%, तो x का वैल्यू 75% और y का वैल्यू 30%. यही हमें पूछा था कि कैलकुलेट करके बताओ कि फिक्स्ड ओवरहेड का परसेंटेज कितना होगा. तो ये देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यहाँ पर x और y जो माना था उसी का आंसर निकल के आ गया, ठीक है? तो परसेंटेज तो थोड़ा सा ये मैथमेटिकल वे हो गया, ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस कम होता है, फिर भी एक है तो करवा दिया मैंने. अच्छा अब हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक सीखे थे उस पे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगभग बहुत सारा कर लिया. अब एक दूसरा टॉपिक सीखना पड़ेगा, दैट इज मशीन आवर रेट. जो बेसिस हम लोगों ने सीखा था ना, जो 6 मेथड हम लोगों ने सीखा था, उसमें से मशीन आवर रेट पे अलग क्वेश्चन हमारा हो सकता है, ठीक है? तो मशीन आवर रेट को हमें इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पर लिखते हैं, मतलब ओवर रेट पे जो मशीन आवर रेट हम लोगों ने सीखा था, मशीन आवर रेट, ठीक है? मशीन आवर रेट कब यूज होता है? पहला बात है, मशीन आवर रेट तब यूज होता है जब हम लोगों का जो एक्टिविटी है वो मशीन डिपेंडेंट होता है, मशीन में ज्यादा हम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, सबसे ज्यादा कॉस्ट मशीन में इन्वॉल्व है, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है? तो अगर कैपिटल इंटेंसिव है, ये ऑलरेडी लिखवाया हुआ है मेरा, ठीक है? इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ ओवर रेट रिलेटेड टू मशीन कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट में ही सबसे ज्यादा ओवरहेड इंक्लूडेड है, ठीक है? मशीन कॉस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या सीखना क्या है? हम लोगों ने तो सीखा कैसे मशीन आवर रेट निकाला जाता है, लेकिन फिर से हमें नया क्या सीखना है? नया ये सीखना है, देखो जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है? एक फैक्ट्री है जहां पर दो डिपार्टमेंट है, सपोज, ठीक है? दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लिया, P1 और P2, ठीक है? P1 और P2 है. अच्छा अब क्या हो सकता है कि P1 जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसके अंडर में मान लो कुछ मशीन्स है जिससे काम होता है, जैसे मान लो दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2, और दूसरा डिपार्टमेंट जो P2 है इसके अंडर अलग मशीन है, जैसे मान लो मशीन 3 नाम दे दिया, मशीन 4 और मशीन 5, ठीक है? तो हम लोग P1 और P2 का ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करते हैं? हम लोग को पता होना चाहिए टोटल ओवरहेड दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का. मान लो इसका है फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है? और इसका है फॉर एग्जांपल 20,000. तो 10,000 20,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे मशीन आवर से, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा मशीन आवर रेट, ठीक है? लेकिन अगर हमें बता दे कि हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट नहीं चाहिए, जैसे मान लो अगर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं? मशीन आवर रेट इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या लिख देते हैं, मशीन आवर, ठीक है? डिवाइडेड बाय क्या लिख देते हैं, मशीन आवर. तो हमें मिल जाता है मशीन आवर रेट. लेकिन अगर हमें बोल दे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअली एक एक मशीन का मशीन आवर रेट चाहिए, तो अगर इंडिविजुअली मशीन का मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने बोल देगा, देन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मशीन आवर रेट इक्वल टू हो जाएगा सेम, यही वाला रहेगा, लेकिन कंसेप्ट मतलब लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड ऐसे ही लिखेंगे, टोटल ओवरहेड, लेकिन इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन, ठीक है? ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन,
पर्टिकुलर मशीन का ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि M1 हो सकता है, M2, M3, M4, M5, टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं, इसीलिए टोटल ओवरहेड ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन डिवाइडेड बाय हो जाएगा मशीन आवर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, वो पर्टिकुलर मशीन कितना टाइम चला है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा क्या हुआ है, वो डिवाइड करने से पर्टिकुलर मशीन का मशीन आवर रेट हमें मिलेगा। ये जरूरी होता है आइडेंटिफाई करना, इसीलिए मशीन आवर रेट को हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं मशीन आवर बेसिस पे, अगर हम लोग का डिपार्टमेंट ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है या फिर कैपिटल कॉस्ट मशीन पे ज्यादा इन्वॉल्व है तो हम लोग मशीन आवर रेट लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल मशीन्स का मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने बोलेगा तो इंडिविजुअल मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा जो होगा, यानी टोटल ओवरहेड इंडिविजुअल मशीन को चलाने का और डिवाइडेड बाय कितना टाइम वो इंडिविजुअल मशीन चला है, डिवाइड करने से हमें ये पता चल जाएगा कि मशीन आवर रेट क्या है। यानी हम लोगों को क्या फॉलो करना पड़ेगा, हम एक बार लिखवा देते हैं जो भी मैंने बोला। स्टेप वन में हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, ये गिवन होना चाहिए। जब हमें क्वेश्चन में बोलेगा ना कि M1 का मशीन आवर रेट कैलकुलेट करो, तो हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, हमें ये गिवन होना चाहिए कि 10,000 जो है ये टोटल ओवरहेड है एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी P1 का, ऐसा हमें गिवन हो सकता है, ठीक है। उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन की मशीन वन का कितना है, मशीन टू का कितना है, ठीक है, तो ये हमें गिवन हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखो स्टेप टू में क्या होगा, टोटल ओवरहेड इज फर्दर, फिर टोटल ओवरहेड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मशीन ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका टोटल 10,000 है। अब M1 का कितना होगा, M2 का कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन बता देगा। मान लो बोल दिया 1:2 रेशियो में, तो वैसे डिवाइड कर सकते हो, इक्वली बोल दिया तो 5,000। तो इस तरह से हमें अगर ये गिवन रहेगा तो हमें ये भी गिवन रहेगा किस बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मशीन्स पे, ठीक है। तो टोटल ओवरहेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मशीन ऑफ दैट डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, जैसे मान लो ये अगर इक्वल है 1:1 है तो ये हो जाएगा 5,000, यहाँ पर भी हो गया 5,000, ठीक है। अगर ये नहीं गिवन है देन हमें इस मशीन को चलाने का खर्चा क्या है वो गिवन होना चाहिए, पर्टिकुलर डेटा गिवन होना चाहिए जिससे हमें ये पता चलेगा कि मशीन वन को ऑपरेट करने का खर्चा क्या है। अगर ऐसा नहीं गिवन है तो फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है पर्टिकुलर डेटा is given for a machine, ठीक है, एक मशीन को चलाने का पर्टिकुलर डेटा गिवन होना चाहिए जिसको हम लोग एड करके देख लेंगे कि टोटल कितना हो रहा है उस मशीन को चलाने का खर्चा। तो स्टेप फोर में हम लोग लिख सकते हैं मशीन आवर भी गिवन होना चाहिए, मशीन आवर इज गिवन फॉर ए पर्टिकुलर मशीन, स्टेप फाइव वी नीड टू कैलकुलेट ओवरहेड फॉर ए पर्टिकुलर मशीन, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर मशीन का ओवरहेड कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास या तो इस तरह का कोई प्रोसेस गिवन होगा, इस मशीन ये मशीन कितना टाइम चला है वो गिवन होगा, या फिर हमें मशीन वन का ऑपरेट करने का खर्चा अलग अलग दे देगा, हम लोग को ऐड करके टोटल खर्चा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मशीन वन कितने टाइम चला है। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गिवन होगा ही, अगर हम लोग का मशीन आवर रेट वाला क्वेश्चन होगा उसको पढ़ के हमें देखना पड़ेगा कैसा इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो मेन जो थीम है वो तो एक ही जैसा है कि टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं कैलकुलेट करके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर अगर मशीन्स है तो इंडिविजुअली उस मशीन्स का ओवरहेड भी हमें कैलकुलेट करने को आ सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर कैसे ओवरहेड गिवन हो सकते हैं क्वेश्चन में अगर हमें इंडिविजुअली दे दिया है, तो वेरियस ओवरहेड गिवन फॉर ए पर्टिकुलर मशीन, गिवन फॉर ए पर्टिकुलर मशीन, कोई भी एक पर्टिकुलर मशीन के लिए अलग
टाइप ऑफ ओवरहेड दे सकता है, और ये क्या क्या टाइप हो सकता है? ओवरहेड दोनों टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है डायरेक्ट ओवरहेड, ठीक है, और एक हो सकता है इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट का मतलब ऐसा खर्चा जो हम लोग डायरेक्टली मशीन में अपोर्शन कर सकते हैं, एक जो है हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। एग्जांपल देने से ही समझ जाओगे, जैसे किसी एक पर्टिकुलर मशीन का इंश्योरेंस का खर्चा, ये हम लोग डायरेक्ट उस मशीन पे, जैसे मशीन वन का इंश्योरेंस खर्चा मान लो 1000 रुपीज है, मशीन टू का मान लो 1500 रुपीज है, इस तरह से। तो इंश्योरेंस का खर्चा जो हम लोग डायरेक्टली कोई एक मशीन में इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर डेप्रिसिएशन का खर्चा, कौन से मशीन में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो इनडायरेक्ट कैसा हो सकता है, जैसे मान लो सुपरवाइजर का खर्चा, ठीक है, सुपरवाइजर सुपरविजन चार्जेस, ठीक है, एक सुपरवाइजर को रख दिया गया है जो कि ये सारे मशीन्स को ऑपरेट करता है। अब फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हमें किसी पर्टिकुलर बेसिस पे अपोर्शन करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट एलोकेट नहीं कर सकते। जो एलोकेट कर पाएंगे डायरेक्टली उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो नहीं कर पाएंगे उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब हर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी दो पार्ट होगा, एक हो जाएगा फिक्स्ड, जिसे यहाँ पर स्टैंडिंग भी बोला जाता है, फिक्स्ड और स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब जो नहीं चेंज होता है, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। वेरिएबल, वेरिएबल को बोला जाता है मशीन एक्सपेंसेस, ठीक है, वेरिएबल का और एक नाम है यहाँ पर मशीन एक्सपेंसेस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वेरिएबल मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा, मशीन चलेगा तो वो खर्चा होगा, नहीं चलेगा तो नहीं होगा, तो इसीलिए बोला जाता है वेरिएबल को मशीन एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट में भी सेम वही चीज होगा, इनडायरेक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, फिक्स्ड या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, और यहाँ भी होगा वेरिएबल या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन एक्सपेंसेस, ठीक है, मशीन एक्सपेंसेस। और वेरिएबल और फिक्स्ड का कंसेप्ट वही है जो होता है नॉर्मली कॉस्ट में, जैसा होता है वैसे। फिक्स्ड का मतलब जो मशीन चले या ना चले जो खर्चा हमें देना है, वेरिएबल का मतलब जो खर्चा मशीन चलने पे लगेगा या तो नहीं लगेगा। जैसे फिक्स्ड खर्चे में क्या क्या आ जाएगा, फिक्स्ड खर्चे में जैसे मान लो आ जाएगा हम लोगों का रेंट, ठीक है, फिक्स्ड में आ जाएगा रेंट आ जाएगा, अच्छा, और क्या हो जाएगा, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड खर्चे में भी आ सकता है, वेरिएबल में भी आ सकता है, इसको हम बता देंगे। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड में तब आएगा अगर ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल में भी आ सकता है, ये फिक्स्ड में भी आ सकता है। फिक्स्ड में कब होगा, जब नॉट डिपेंड ऑन मशीन रन, नॉट डिपेंड ऑन मशीन रन, मतलब मशीन चले या ना चले उस पर अगर डेप्रिसिएशन डिपेंड नहीं करता है तो वो फिक्स्ड होगा, और अगर मशीन पे डिपेंड करेगा तो वेरिएबल होगा, ठीक है। वेरिएबल में क्या हो सकता है, वेरिएबल में हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये हटा देते हैं, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, दूसरा कुछ एग्जाम्पल ले लेते ताकि तुम लोग को समझ में आए। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग फ्यूअल, पावर, ठीक है, पावर का खर्चा, और क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चा, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, फिक्स्ड वेरिएबल में दोनों जगह पे सेम एग्जांपल तुम लोग एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अलावा हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मशीन आवर रेट। तो कैसे कैलकुलेट होगा, मशीन आवर रेट इक्वल टू टोटल ओवर रेट of a machine divided by machine hour। तो इसमें से अगर ये जो है ये हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ठीक है, कितना टाइम मशीन चला, और अगर छोटा मोटा कैलकुलेट करना पड़े तो कर सकते हैं कि कितना, मान लो कुछ आइडल टाइम वगैरह है तो इफेक्टिव मशीन आवर कैलकुलेट करना पड़ सकता है, नॉर्मली गिवन होगा। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट का मतलब हमें इंडिविजुअली डेटा दे देगा कि कितना कितना टाइम मशीन का, कितना क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ है, पावर का खर्चा हुआ है, या फिर सुपरवाइजर का खर्चा हुआ है, रेंट का खर्चा हुआ है। तो इस तरह का खर्चा हमें इंडिविजुअली दे देगा, हमें ऐड करके टोटल खर्चा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मशीन का ये जो मशीन आवर कैलकुलेट करना है ना, ये भी तीन मेथड में होगा, ठीक है। तो यहां पर तीन मेथड क्या क्या होगा, देखो टोटल ओवरहेड जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, और उसके बेसिस पे तीन अलग अलग टेक्निक से हम लोग मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहला है डायरेक्ट, सिंपल और कंप्रीहेंसिव। अच्छा, डायरेक्ट का मतलब
क्या क्या आ जाएगा. देखो टोटल ओवरहेड हम लोग अगर डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो हमें कौन सा कॉस्ट लेना पड़ेगा. देखो देख यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा. सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग तो अभी तक कोई भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड कैलकुलेट कर रहे थे. अब वहां पर अलग अलग बेसिस यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हमें मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है कोई एक पर्टिकुलर मशीन का, ये तो कन्फर्म है कि ओवरहेड मशीन आवर रेट पे ही जाने वाला है, ये कन्फर्म है. ये क्वेश्चन में बता भी देगा. हमें मेथड नहीं ढूंढना है कि कौन से मेथड पे ओवरहेड चार्ज करना है, हमें मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है किसी एक पर्टिकुलर मशीन का किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर. ठीक है, तो हमें क्या होगा, या तो हमें ये वैल्यूज दिए हुए रहेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर सकते हैं मशीन आवर रेट के साथ, मशीन आवर के साथ, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल ओवरहेड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके पर्टिकुलर मशीन आवर से डिवाइड करके रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. और जब ओवरहेड हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसा कैसा कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और दोनों कॉस्ट को ही फिक्स्ड और वेरिएबल में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो बेसिकली हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, अब अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन. ठीक है, अब डायरेक्ट कॉस्ट का आइडेंटिफाई करने का मतलब है ऐसा कॉस्ट जो हम लोग डायरेक्टली मशीन पे अपोर्शन कर सकते हैं, और इसमें भी दो चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो डायरेक्ट का फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें और क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, और यहाँ पर क्या इग्नोर कर देंगे, इग्नोर इनडायरेक्ट कॉस्ट. यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉस्ट का कोई भी स्कोप नहीं है. ठीक है, यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को नहीं ऐड करना है अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं. और कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिख दिया है कि कैलकुलेट डायरेक्ट मशीन आवर रेट, ऐसा लिख दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन बोल देगा कि कैलकुलेट डायरेक्ट मशीन आवर रेट, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को ही ऐड करना है, यानी डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट और डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट. और अगर हमें सिंपल मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने बोले तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, दोनों ही लेना पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही लेना पड़ेगा. और डायरेक्ट में क्या क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्ट में लेना पड़ेगा डायरेक्ट का जो भी पार्ट है, यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल. और इनडायरेक्ट में भी क्या लेंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये दोनों ही लेना पड़ेगा. ठीक है, और हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या दे देगा, लैंग्वेज हमें दे देगा कैलकुलेट डायरेक्ट सॉरी सिंपल मशीन आवर रेट, सिंपल मशीन आवर रेट. ठीक है, मतलब अगर हमें क्वेश्चन बता दे कि सिंपल मशीन आवर रेट कैलकुलेट करो, यानी गिवन जो डेटा होगा उसमें हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट का फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट को ले सकते हैं. लेकिन अगर हमें सिर्फ डायरेक्ट मशीन आवर रेट बोलेगा तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट का फिक्स्ड और जो है वेरिएबल पार्ट वो यूज करेंगे. ठीक है, अच्छा अगर कंप्रीहेंसिव बता देगा तो क्या क्या लेना है, कंप्रीहेंसिव अगर बता देगा तो हमें डायरेक्ट कॉस्ट लेना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट लेना है, और एक कॉस्ट होगा ऑपरेटर कॉस्ट. ठीक है, ऑपरेटर वेजेस, मतलब मशीन को जो इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं ऑपरेटर वेजेस, वो भी लेना पड़ेगा. और डायरेक्ट का क्या क्या लेंगे, ऑब्वियसली डायरेक्ट का फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही लेना पड़ेगा, फिक्स्ड वेरिएबल, मतलब ऐसे ही. ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल, इनडायरेक्ट का भी दोनों ही लेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल, और ऑपरेटर वेजेस. ये सारा चीज अगर ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करने बोलेगा, अगर ये पूरा चीज लेना है तो हमें जरूर बोला होगा कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट कैलकुलेट करो, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट ये कैलकुलेट करो. अगर ऐसा बता देता है देन हमें डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज ऑपरेटर वेजेस सारा चीज ऐड करना है. तो देखो एक एक करके जो है पॉइंट हमारा ज्यादा बढ़ रहा है. जैसे पहले में डायरेक्ट वाले में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट लो, तो डायरेक्ट का फिक्स्ड वेरिएबल,
सिंपल वाले में डायरेक्ट भी ले लो इनडायरेक्ट भी ले लो, दोनों का ही फिक्स वेरिएबल तो आएगा ही आएगा, ठीक है? ऐसे बोलते सिंपल मशीन आवर रेट। अगर कंप्रीहेंसिव बोल रहा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब कंप्रीहेंसिव का मतलब डायरेक्ट मेथड सिंपल मेथड प्लस ऑपरेटर वेजेस लेना है, ठीक है? तो ये सब मिला के हो जाएगा हम लोग का कंप्रीहेंसिव। तो क्वेश्चन में हमें बताएगा ये तीन लैंग्वेज का ध्यान देना, इसके हिसाब से हम लोग अपना जो है मेथड को यूज करेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब मशीन आवर रेट जो है ना ये होना चाहिए हम लोगों का इफेक्टिव, ठीक है? ये मशीन आवर रेट जो है ये इफेक्टिव होना चाहिए। अगर इफेक्टिव नहीं है गिवेन, मतलब प्योरली कैलकुलेटेड नहीं है, तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो वो भी गिवन होगा डेटा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इफेक्टिव नहीं गिवन है तो उसको इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? देखो इफेक्टिव का मतलब होता है प्रोडक्शन कब तक कर रहा था मशीन। आइडल भी तो बैठ सकता है, अब आइडल नॉर्मल रीजन से भी हो सकता है एबनॉर्मल, जैसे देखो पेज को इधर से इधर कर रहे हैं तो तब हम नहीं पढ़ा पा रहे, तो या फिर पानी पी रहे हैं तो नहीं पढ़ा पा रहे दो सेकंड के लिए, ठीक है? तो ये हो जाता है नॉर्मल आइडल टाइम, मतलब ये एक ह्यूमन बीइंग का नीड है, ये तो होगा ही। लेकिन मान लो हम ऐसे ही बैठे हैं नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, दो तीन मिनट ऐसे ही बैठे हैं या फिर पांच मिनट ऐसे ही बैठे कुछ नहीं बोल रहे, तो ये हो गया एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है? तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल मशीन आवर, मतलब प्रोडक्टिव है कि नहीं। तो टोटल मशीन आवर में प्रोडक्टिव टाइम भी हो सकता है अनप्रोडक्टिव, जैसे हम लोग दो घंटा क्लास करते हैं तो उसमें 10-15 मिनट हो ही जाता है लोगों को एडमिट करने, मतलब जब तुम लोग एंटर करते हो तो एडमिट करने में टाइम लगता है, पेज पलटने में, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को इधर उधर देखने में, डेटा देखने में, ठीक है? तो ये सब क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम है। तो टोटल मशीन आवर से अगर हम लोग नॉर्मल आइडल टाइम लेस कर देते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम लेस कर देते हैं तो जो बचेगा इसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मशीन आवर। अब नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल आइडल टाइम लास्ट दिन भी मैंने बताया था, जब मशीन यूज प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आ रहा, ठीक है? यहां पर लिख देते हैं मशीन, ये वाला मशीन नॉट बीइंग इन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा है, लेकिन कैसे कामों के लिए रुका हुआ है, जैसे कि मान लो रूटीन सर्विस, लास्ट दिन भी लिखवाया था, सेटअप, ये सब के लिए, ठीक है? तो ये हो जाता है नॉर्मल आइडल टाइम। और नॉर्मल आइडल टाइम हमेशा अनप्रोडक्टिव होता है, कोई भी आइडल टाइम अनप्रोडक्टिव होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बता दे कि मेरा जो आइडल टाइम है वो भी प्रोडक्टिव है, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी देता है। तो अगर क्वेश्चन हमें फॉलो करने बोलेगा तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, हम लोग क्वेश्चन के आगे जाके तो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर लिख देते हैं अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज stated, this has to be considered as unproductive time. मतलब इस normal idle time का बात कर रहे हैं, ठीक है? Normal idle time, नॉर्मल आइडल टाइम हमेशा हमारा अनप्रोडक्टिव ही होगा, अनलेस अनटिल अदरवाइज स्टेटेड दिस हैज टू बी कंसीडर्ड एज अनप्रोडक्टिव टाइम। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन हमें बता दे कि ये प्रोडक्टिव है तो फिर हम लोग प्रोडक्टिव मानेंगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रोडक्टिव हो नहीं सकता है, ठीक है? अच्छा, अब डेप्रिसिएशन के बारे में, जैसे मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है, ये कब पॉसिबल है? ये देखो, डेप्रिसिएशन हम लोग कंसिडर कर सकते उसे फिक्स्ड भी, जो पॉइंट मैंने बोला था वो लिखवा देते हैं, और डेप्रिसिएशन को हम लोग वेरिएबल भी सोच सकते हैं, ठीक है? तो फिक्स्ड कब सोचते हैं? जैसे मान लो हम लोग लगा रहे SLM मेथड, जिसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जहां पर हम लोग हमेशा एक ही जैसा डेटा चार्ज करते जाते हैं। जैसे अगर ईयरली 10,000 है तो 10,000, अगर ईयरली यूज हो रहा है 10,000, अगर 6 months हो रहा है तो 5,000, यानी फिक्स्ड हम लोग अमाउंट जो है चार्ज कर रहे हैं, या फिर फिक्स्ड रेट पे कर रहे हैं, यानी WDV, जैसे मान लो 10% पर एनम बेसिस पे ही चल रहा है, मतलब रेट वही है लेकिन कैलकुलेटेड अमाउंट चेंज हो रहा है, बिकॉज हम लोग WDV में बचे हुए वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए।
ठीक है, तो फिक्स्ड मेथड ये हो जाएगा। अगर हम लोग फिक्स्ड मानते हैं डेप्रिसिएशन को, कब मानेंगे, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं WDV, यानी कोई परसेंटेज गिवन है, देन हम लोग इसको, जैसे कोई परसेंटेज गिवन है तो हम लोग इसको फिक्स्ड मेथड में डाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में डाल सकते हैं डेप्रिसिएशन को। और वेरिएबल में कब मानेंगे, जब यूसेज बेसिस पे होगा। जैसे मशीन अगर 13,000 आवर यूज हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो इतना डेप्रिसिएशन होगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया 13,000 आवर। अगर यूजेस के बेसिस पे, जैसे यूजेस के बेसिस पे अगर हम लोगों को बताया जाएगा, तो हम लोग डेप्रिसिएशन को वेरिएबल मानेंगे। और यही प्रैक्टिकली होना चाहिए कि यूज के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें, तो वेरिएबल है, यूज होगा तो डेप्रिसिएशन है, नहीं कम होगा तो कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा, यूज होगा तो ज्यादा डेप्रिसिएशन। लेकिन फिक्स्ड मतलब कैसा भी यूज क्यों ना हो, अगर हम लोगों ने मान लिया है 10,000 करके ही चार्ज करेंगे, तो पीरियोडिक वे से 10,000 ही होगा। तो ये हो गया हम लोग का कंसेप्ट। कंसेप्ट के हिसाब से हमें ऐसे करना है, यानी थियोरिटिकली ये हमें सोचना है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों को, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, देखो हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें हमेशा डेप्रिसिएशन को क्या मानना है, डेप्रिसिएशन को मानना है वेरिएबल। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हम लोग हमेशा डेप्रिसिएशन को यूजेज बेसिस पे चार्ज करने वाले हैं, यानी वेरिएबल बेसिस पे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो मशीन आवर रेट का जो भी हमें कंसेप्ट चाहिए था मैंने एक बार बता दिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे करके होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये हम लोग का मशीन आवर बेसिस का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है। इन ए मशीन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री देयर आर 5 आइडेंटिकल मशीन। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है, मशीन डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट का नाम ही है मशीन डिपार्टमेंट। ठीक है, नाम है। और फैक्ट्री में है 5 आइडेंटिकल मशीन है इस डिपार्टमेंट में, तो M1 M2 M3 M4 और M5, 5 आइडेंटिकल मशीन है। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो प्रिपेयर द मशीन आवर रेट फॉर वन ऑफ द मशीन, किसी भी एक मशीन का, फॉर वन ऑफ द मशीन यानी M1 M2 M3 M4 M5 किसी भी एक मशीन का मशीन आवर रेट कैलकुलेट करो। मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है कोई भी एक मशीन का, तो हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल ओवररेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, पर्टिकुलर मशीन ये पता होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल आवर्स जितने टाइम ये मशीन चला। ठीक है, टोटल इफेक्टिव मशीन आवर ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल इफेक्टिव, ये सब तो लिखवा दिया है, ये टोटल इफेक्टिव मशीन आवर। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। तो स्पेस ऑफ द डिपार्टमेंट 10,000 स्क्वायर मीटर, मतलब ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है ये कितने जगह पे है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है ये 10,000 स्क्वायर मीटर जगह पे है। ठीक है, और एक एक मशीन ने कितना जगह ऑक्यूपाई कर रखा है, 2,000 स्क्वायर मीटर। ये कितना जगह है, ये है 2,000 स्क्वायर मीटर, ये भी 2,000 स्क्वायर मीटर, ये भी 2,000 स्क्वायर मीटर, 2,000 स्क्वायर मीटर, 2,000 स्क्वायर मीटर करके 5 मशीन का 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन, ईच मशीन एक ही है, आइडेंटिकल है ना, तो 20,000, देखो 20,000 करके हर एक मशीन को खरीदने का खर्चा आया है। स्क्रैप वैल्यू 300, स्क्रैप वैल्यू का मतलब है स्क्रैप हो जाता है, स्क्रैप का मतलब होता है कि मशीन को अगर हम लोग यूज करने के बाद मार्केट में इसे बेचने जाएंगे सेकेंड हैंड के हिसाब से, तो ये 300 में बिकेगा। लाइफ है 13 आवर्स, एक एक मशीन जो है ये 13 इयर्स के लिए चल सकता है, 13 इयर्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन देना है 7.5%, ये एक्चुअली 7.5 लिखा हुआ है, थोड़ा सा जो है ब्लर आया है तो शायद नहीं दिख रहा होगा, तो 7.5%। ठीक है, डेप्रिसिएशन हर एक मशीन का है 7.5%, तो वैसे तो ये फिक्स्ड में आएगा, लेकिन जैसे कि मैंने बोला प्रैक्टिकली जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग हमेशा इसको वेरिएबल में ही रखेंगे, फिक्स्ड में नहीं रखेंगे। नॉर्मल रनिंग टाइम ऑफ द मशीन, एक एक मशीन कितने टाइम चलता है, 2,000 आवर्स चल रहा है, तो हमें आवर तो पता चल गया, लेकिन इफेक्टिव है कि नहीं उसके लिए हमें आइडियल टाइम कुछ है कि नहीं देखना पड़ेगा, तो 2000 आवर्स जो है मशीन चलेगा। पावर कंज्यूम्ड बाय मशीन एज सोन बाय मीटर 3000 पर एनम, तो 3000 पर एनम जो है पावर कंजम्पशन होता है पूरे साल का 3000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रखा है। यहां पर बोला है कि
एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मशीन्स थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन, मतलब मशीन जितना दिन चलेगा, यानी 13 ईयर्स, एक एक मशीन 13 ईयर्स चलेगा थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ, मतलब जितना दिन मशीन काम कर सकता है वो तो 13 ईयर है, अभी अभी हम लोगों ने देखा 13 ईयर जो मशीन चलेगा, इसमें रिपेयर्स और मेंटेनेंस का खर्चा कितना होगा, ₹5,200. सन्ड्री सप्लाइज इंक्लूडिंग ऑयल वेस्ट चार्ज डायरेक्ट टू द मशीन अमाउंट टू 600 पर एनम. तो एक साल में सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी ऑयल का, वेस्ट का, ये सब का हो जाएगा 600 पर एनम. फिर क्या बोला है, एक साल का खर्चा 600 पर एनम. तो देखो कुछ खर्चा हमें पूरे मशीन के ईयर का दे रखा है 13 ईयर का, कुछ खर्चा हमें दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स का यानी पर एनम. तो हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो अल्टीमेटली ये कैलकुलेट करना है कि एक घंटा चलने पे मशीन का खर्चा कितना आ रहा है. लेकिन हमें कितने तरह का डेटा दे रखा है, कुछ तो ईयरली दे रखा है, कुछ हमें लाइफ ऑफ द मशीन के हिसाब से दे रखा है. तो सोचना पड़ेगा कैसे करें ताकि हमें एक घंटे का खर्चा पता चले. अदर एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा बता रखा है, रेंट का 9,000, लाइटिंग का टू बी अपोर्शन अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एम्प्लॉयड 400, वर्कर जैसे काम करे उस हिसाब से लाइट का खर्चा अपोर्शन करना है. हमें तो ये पता है कि लाइट का खर्चा लाइट पॉइंट के हिसाब से होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कितने वर्कर काम कर रहे हैं वैसे अपोर्शन करो तो वैसे ही करना पड़ेगा. सुपरविजन चार्जेस, अदर चार्जेस, ये सब बोल रखा है. इट इज एसर्टेन दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज, मतलब मशीन में सुपरवाइजर को कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है. डिग्री मतलब वही परसेंटेज या क्वांटिटी डिग्री बता रहा है, 2/5 एंड 3/5 बीइंग डिवोटेड, ठीक है. इट इज एसर्टेन दैट डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज 2/5, मशीन को 2/5 चाहिए एंड 3/5 बीइंग डिवोटेड टू अदर मशीन, एक पर्टिकुलर मशीन को 2/5 चाहिए और बाकी मशीन्स को 3/5 चाहिए. देयर आर 16 वर्कर इन डिपार्टमेंट ऑफ होम 4 अटेंड टू द मशीन, ठीक है. 16 वर्कर काम कर रहे हैं जिसमें से 4 वर्कर ऐसे हैं जो मशीन को अटेंड करते हैं, ठीक है, मशीन को अटेंड कर रहे हैं और यहाँ पर बोल रहा है रिमेनिंग टू द अदर मशीन, बाकी अदर मशीन्स को अटेंड करते हैं, मतलब अदर मशीन्स पे काम कर रहे हैं. हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है, हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है मशीन आवर रेट, ठीक है, कैलकुलेट करके बताना है, बस इतना ही बताया, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करके बताना है. अच्छा तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा. Illustration 8. Calculate of machine hour rate. Particulars: total or रेट पर आवर. अच्छा अब खर्चे हमें कैसे डिवाइड करने हैं, मेन जो हमारा थीम है दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल. फिक्स्ड डायरेक्ट भी हो सकता है, फिक्स्ड इनडायरेक्ट भी हो सकता है, वेरिएबल डायरेक्ट भी हो सकता है, वेरिएबल इनडायरेक्ट भी हो सकता है. तो हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल में आइडेंटिफाई करेंगे, यानी फिक्स्ड को यहाँ लिखा जाता है स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल को लिखा जाता है मशीन चार्जेस. तो पहले लिखेंगे यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड खर्चा, स्टैंडिंग चार्जेस. तो स्टैंडिंग चार्जेस देखते हैं क्या क्या है. यहाँ पर स्पेस ऑफ द डिपार्टमेंट, ये तो कोई खर्चा नहीं है, स्पेस बताया, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन बताया. कॉस्ट ऑफ मशीन, ये जरूर खर्चा है, मशीन खरीदने का खर्चा, लेकिन खरीदने का खर्चा ये तो कैपिटल नेचर का है, ठीक है,
अब खरीदने का खर्चा एक दिन में थोड़ी ना चार्ज होता है, मशीन का क्या खर्चा लगाते हैं, डेप्रिसिएशन, तो खरीदने का खर्चा थोड़ी ना देंगे, डेप्रिसिएशन को जरूर चार्ज करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला था कि डेप्रिसिएशन जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हमेशा उसे यूसेज पे लेना है, यानी हम लोगों को वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो अभी इसका भी कोई काम नहीं है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन, नॉर्मल रनिंग टाइम ऑफ द मशीन बता रखा है, ये कितना टाइम मशीन चल रहा है, ये भी खर्चा नहीं है। पावर कंजम्पशन बता रहा है, पावर कंजम्पशन तो वेरिएबल होता है, मशीन चलेगा जितना उतने के हिसाब से पावर कंजम्पशन होगा, तो ये भी फिक्स खर्चा नहीं है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा जो बता रखा है वो वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन पे बता रखा है, यानी मशीन जितना दिन यूज होगा उस हिसाब से, यूसेज के हिसाब से, यानी ये भी वेरिएबल है। सन्ड्री सप्लाईज जो है, सन्ड्री सप्लाईज ये भी यूसेज के ऊपर होता है, ठीक है, ये भी वेरिएबल है। यहाँ पर हमें यूसेज के ऊपर देखना है, लेकिन फिक्स खर्चा कौन कौन सा है, जैसे कि रेंट एंड रेट्स, ठीक है, रेंट का खर्चा, मशीन यूज हो या ना हो हमें रेंट का खर्चा देना ही पड़ेगा। तो पहला फिक्स खर्चा हम लोग लिखेंगे रेंट एंड रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो रेंट एंड रेट्स, एक क्वेश्चन करते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे कि यहाँ पर कैसे फिक्स्ड और वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। 9,000 है, ठीक है, ये पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा है, लेकिन हम लोगों को एक मशीन का रेंट रेट्स कैलकुलेट करना है, तो कितना होगा, 9,000 पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा है, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट, तो 9,000 रेंट पूरे डिपार्टमेंट का है, तो एक मशीन का कितना होगा, क्योंकि हम लोग एक मशीन का कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बोलो कितना होगा। 9,000 तो पूरा नहीं लिख सकते, ये पूरे डिपार्टमेंट है, और पूरे डिपार्टमेंट में 5 मशीन है, एक एक मशीन का कितना होगा, और स्पेस ऑक्यूपाइड भी हमें बता दिया है, तो कैसे कैलकुलेट, हाँ बोलो, 1800 कैसे कैलकुलेट हुआ, कि 10,000 स्क्वायर मीटर पूरा डिपार्टमेंट ऑक्यूपाई कर रखा है, 10,000 स्क्वायर मीटर ऑक्यूपाइड करने के लिए 9,000 का रेंट देना पड़ रहा है, तो ए 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 9,000 डिवाइडेड बाय 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, मीटर है कि फुट, क्या दे रखा है, स्क्वायर मीटर दे रखा है, ठीक है। तो फिर अगर 2,000 स्क्वायर मीटर है तो कितना होगा, एक सेकंड, ये थोड़ा सा पीछे लिखेंगे नहीं तो यहाँ पर 9,000 × 2,000 / 10,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800, ये हम लोग टोटल में लिख रहे हैं, ठीक है, 1800 हो गया, टोटल कॉलम में लिखा है, क्योंकि अभी तक आवर से डिवाइड नहीं किया है, तब तो आवरली रेट पता चलेगा। फिर है लाइटिंग, अब लाइटिंग नॉर्मली लाइट पॉइंट्स पे अगर होगा तो लाइट पॉइंट जैसे यूज होगा वैसे लाइट का खर्चा होना चाहिए था, तो ये फिक्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन बोला है वर्कर जितने काम करते हैं उसके हिसाब से लगाओ, तो ये तो यूसेज के हिसाब से नहीं हुआ, अगर यूसेज के हिसाब से नहीं हुआ तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, यूसेज के हिसाब से तब होता अगर हम लोग लाइट पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेशन करते, तो लाइटिंग भी इसलिए यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाएगा, ठीक है। तो लाइटिंग कितना है 400, लेकिन हमें कैसे अप्लाई करना है 400 को, जितने वर्कर है उसके हिसाब से, तो वर्कर कितने हैं, टू बी अपोर्शन अकॉर्डिंग टू द वर्क एम्प्लॉयड, तो 16 वर्कर काम करते हैं, 16 वर्कर, और 4 ऐसे वर्कर है जो पर्टिकुलर एक मशीन पे काम करता है, तो कितना हो जाएगा, देयर आर 16 वर्कर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हुम 4 अटेंडेंट टू द मशीन, 4 मशीन को अटेंड कर रहे हैं, टू द मतलब पर्टिकुलर एक एक मशीन का, ठीक है, सारी तो आइडेंटिकल मशीन है, तो और एंड द रिमेनिंग ऑन द अदर मशीन, तो हमारे पास कितने मशीन है, टोटल कितने मशीन बोले थे हमें, एक मशीन पे तो 4 वर्कर है बता ही दिया है, तो टोटल मशीन हमें कितना बताया था, 5, ठीक है, तो 5 मशीन पे अगर 4-4 लोग काम करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 16 वर्कर ही है, एक्चुअली यहाँ पर हमें बता दिया है तो हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेट क्यों करें, हमें बोला है 16 वर्कर है जिसमें से 4 अटेंड करते हैं टू द मशीन, मतलब जिस मशीन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके लिए 4 कैलकुलेट करो, ठीक है, 4 के हिसाब से कैलकुलेट करो, तो हमें बता दिया है जैसा हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है, नहीं तो इंडिविजुअली तुम लोग देखोगे तो 5 मशीन पे अगर एक एक मशीन पे 4 अटेंडी होगा तो 20 अटेंडी का जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो 16 वर्कर है, लेकिन हम लोग वैसे क्यों कैलकुलेट करें जबकि हमें बता ही दिया है कि 4 अटेंडेंट जो है वो इस पर्टिकुलर मशीन पे काम करेंगे जिसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 400 रुपए दिया जाता है कितने लोगों को, कैसे कैलकुलेट होगा, 400 रुपए दिया जाता है कितने लोगों को, ऐसे हो जाएगा ना, 400 दिया जाता है कितने लोगों को, 16 वर्कर को 400 रुपए दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कितने वर्कर है उस हिसाब से, एक वर्कर को, तो 4 वर्कर को कितना हो जाएगा, इंटू 4, तो 400 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4,
तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपीज, ठीक है, टोटल 100 रुपीज हो गया। इसके बाद कौन सा खर्चा है, सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन चार्जेस, तो ये तो फिक्स्ड है। सुपरविजन का खर्चा कैसे अपोर्शन करना है, वैसे तो खर्चा है 1250 और बोला है कि मशीन के लिए, पर्टिकुलर मशीन के लिए 250 होगा, तो डायरेक्ट इस पे 250 कर दो, ठीक है, और बाकी मशीन के लिए 350 होगा, तो 1250 into 250। सुपरविजन वेरिएबल होता है ना, सुपरविजन वेरिएबल क्यों होगा, ये तो सुपरविजन का चार्जेस, यहाँ पर फिक्स्ड वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करना है, हम लोग मशीन के यूसेज के हिसाब से क्या सुपरवाइजर को चार्ज देंगे या फिर सुपरवाइजर को जो उनका सैलरी है वही देना पड़ेगा, सोचो। यहाँ पर फिक्स्ड वेरिएबल, अगर वेरिएबल तभी होगा अगर मशीन के यूसेज पे डिपेंड करेगा, क्या सुपरवाइजर का चार्जेस ऐसे होगा कि मशीन कितना यूज हुआ उस पर डिपेंड करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिक्स्ड होगा, है ना। अच्छा, डिवाइडेड बाय 5 into 2, वैसे भी सुपरवाइजर का सैलरी फिक्स्ड होता है ना, सैलरी बेसिस पे मिलता है इनको। अदर चार्जेस, अदर चार्जेस कैसा है नहीं बोला है तो हम लोग इसको फिक्स्ड में ही दे देते हैं, ठीक है। अदर चार्जेस जो है वो है 5000, ये टोटल में है, ये सारा खर्चा डिपार्टमेंट का है ना, तो अदर चार्जेस पूरे डिपार्टमेंट का 5000 है, तो एक मशीन पे कितना लगाए, पूरे डिपार्टमेंट का 5000 है तो एक मशीन पे कितना लगा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कुछ बेसिस नहीं बोला है, हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अदर चार्जेस, क्योंकि ये पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा है, अदर एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय 5, 5 मशीन है, एक डिपार्टमेंट के अंदर 5 मशीन है, एक मशीन पे कितना होगा ये हम लोग 1000 रुपीज ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का टोटल बेसिस पे, हम लोगों ने आवरली बेसिस पे अभी तक नहीं कैलकुलेट किया, टोटल बेसिस पे कितना हो रहा है 1000 1000 2000 2000 और यहाँ पर हो गया 600 और 800, कितना हो जाएगा 6 और 8 14 3400, ठीक है, ये हो गया टोटल। यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टैंडिंग यानी फिक्स चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, लेकिन हम लोग को आंसर आवरली बेसिस पे चाहिए। ये हो गया टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, जितना टाइम मशीन चलता है, लेकिन हमें 1 घंटे का खर्चा चाहिए, ठीक है, तो हम लोग 1 घंटे का खर्चा यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स चार्जेस पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर कितना हो जाएगा। अब मशीन कितना टाइम चलता है ये देखते हैं, मशीन कितना टाइम चलता है, यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था, देखो 2000 आवर मशीन चलता है, कोई भी आइडल टाइम का यहाँ पर नहीं बताया, तो यही इफेक्टिव होगा, मशीन चलने का और भी कुछ नहीं बताया इन्फॉर्मेशन, ओनली 2000 आवर्स सिर्फ इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यानी 3400 रुपीज का फिक्स खर्चा होता है 2000 आवर्स मशीन चलने पे, यानी 1 घंटा चलने पे कितना खर्चा हो जाएगा, ये हमें फिक्स्ड बेसिस पे मिल जाएगा, फिक्स्ड खर्चा कितना होता है 1 घंटा मशीन चलने पे, तो ये हो जाता है 1.7 पर आवर, तो ये वाला जो कॉलम बन रखा है यहाँ पर लिख देते हैं ₹1.7 पर आवर, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल को यहाँ पर क्या लिखते हैं, मशीन एक्सपेंसेस, ठीक है, और मशीन एक्सपेंसेस का मतलब हो जाएगा कि जो मशीन डिपेंडेंट खर्चा है, मशीन चलेगा तो होगा, नहीं चलेगा तो नहीं होगा, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या खर्चा बच गया, ये सारा खर्चा तो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ से यहाँ तक, अब कौन कौन सा खर्चा बचा है चेक करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से फिर से चेक करते हैं। एक तो है डेप्रिसिएशन का खर्चा, ठीक है, डेप्रिसिएशन का देखो ये सब तो बेसिस है, ठीक है, ये सब बेसिस है खर्चे में, ये एक रहा रुपीस, ये एक स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, एस्टिमेटेड ईयर और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ही हमें दे रखा है, ठीक है, और एक ये पावर कंजम्पशन दे रखा है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन जो है, अगर रेट दिया हुआ है, हमेशा कैलकुलेट करो रेट पे, ठीक है, नॉर्मली हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पे भी कर सकते हैं, जैसे क्या होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है, ये होता है, ये हम अकाउंट्स में भी सिखाते हैं, तो कॉस्ट हो गया 20,000 माइनस 300 स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 13 ईयर, तो ऐसे करने से भी आंसर आएगा एक, लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन में रेट दिया हुआ होता है तो हमेशा रेट यूज करना चाहिए, ठीक है, तो ये कुछ मतलब प्रैक्टिकल करने का रूल्स वगैरह होता है, तो अगर रेट गिवन नहीं होता तो हम लोग इसी तरह से करते हैं, और इसमें हमारा आंसर कितना आता पता है
20,000 का मशीन है, ठीक है, माइनस 300 स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 13 करने से हर एक साल का हमें डेप्रिसिएशन पता चल जाता 1515 करके, ठीक है। लेकिन अगर रेट दिया हुआ है तो हमेशा रेट यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चाहो तो तुम लोग पॉइंट लिख लो कि कितना भी इंफॉर्मेशन रहे, अगर रेट रहेगा तो रेट पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेट कितना हो जाएगा, रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 पे ऐसे लिखते हैं, 20,000 पे 7.5%, ठीक है, 20,000 पे 7.5%, ये एक ईयरली डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये हो गया 15,000, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 15,000। तो 15,000 हम लोग का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया पर ईयर। हम लोगों को क्या चाहिए, हमें रेट पर आवर चाहिए, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2,000 यहाँ भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, नॉर्मली हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस यानी टोटल खर्चे को लिख के फिर टोटल डिवाइडेड बाय टोटल आवर करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होता है लेकिन पर यूनिट में वेरी करेगा। जैसे अगर इसे इंडिविजुअली 2,000 2,000 2,000 करोगे तो सबका अलग अलग आएगा, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड खर्चा पर यूनिट में चेंज होता है, पर यूनिट पर आवर हो या कुछ और हो लेकिन टोटल में सेम होता है। तो लेकिन वेरिएबल खर्चा का पर यूनिट फिक्स्ड होता है, तो वेरिएबल खर्चे को हम लोग पर यूनिट में पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अगर पर यूनिट में कर सकते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो रूल्स है उसके हिसाब से हम बता रहे, पर यूनिट में करेंगे तो यूनिट हम लोग का यहाँ पर आवर है तो डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा 2,000 आवर, ठीक है। तो ये हो गया 15,000 डिवाइडेड बाई 2,000 आवर्स, तो हम लोग का आ गया 7.5, ठीक है। अच्छा ये मेरा गलत हुआ है शायद, 20,000 डिवाइडेड बाय इनटू 7.5%, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 1500 होगा, टोटल 1500 है। अब इसको हम लोग यहाँ पर ही 2000 पर आवर बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का पर यूनिट फिक्स्ड होता है, तो ये बेटर होता है कि अगर हम लोग वेरिएबल को इस तरह से कैलकुलेट कर ले पहले ही, ठीक है। तो 0.75 पर आवर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि कॉस्टिंग में हम लोगों ने यही सीखा है ना कि वेरिएबल पर यूनिट फिक्स्ड होता है जबकि टोटल में वो चेंज होता है, हमें तो यही चाहिए ना, पर यूनिट ही चाहिए। अच्छा डेप्रिसिएशन हो गया। अब पावर कंजम्पशन, तो पावर कंजम्पशन भी वेरिएबल है क्योंकि ये भी मशीन के यूज के ऊपर डिपेंड करता है। पावर का खर्चा है 3,000 पर एनम पूरे साल का, ठीक है। डेप्रिसिएशन का भी 1500 क्या आया था, पूरे साल का आया था, और 2000 आवर क्या है कि मशीन पूरे साल में कितना टाइम चल रहा है, ठीक है। तो 3000 का खर्चा है और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 2000 आवर, तो हमें खर्चा पता चल जाएगा पर आवर बेसिस पे। तो 3000 डिवाइडेड बाय 2000 आवर तो 1.5, ठीक है, 1.5 पर आवर हो गया पावर कंजम्पशन। अच्छा पावर कंजम्पशन के बाद कौन सा खर्चा है, पावर कंजम्पशन के बाद यहाँ पर एक था रिपेयर्स मेंटेनेंस। तो रिपेयर मेंटेनेंस भी बोला है थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन, इसीलिए मैंने इसको वेरिएबल में दिया, ठीक है। मतलब वर्किंग लाइफ क्या है, मशीन कितना टाइम रन कर रहा है वही उसका वर्किंग लाइफ है, जबकि बोल दिया है 13 ईयर्स, तो पूरे 13 ईयर्स का खर्चा है 5,200। ये एक साल का नहीं है, वर्किंग लाइफ मतलब पूरा मशीन अगर 13 ईयर्स इसका लाइफ है तो ये 5,200 खर्चा रिपेयर्स का मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं रिपेयर्स। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिपेयर्स का खर्चा हमें दे रखा है 5,200, बट ये थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन यानी जो कि है 13 ईयर, तो 13 ईयर से डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा पर ईयर का खर्चा। तो 5,200 डिवाइडेड बाय 13 करने पे मिलेगा पर ईयर का खर्चा जो कि हो गया ₹400, ये पर एनम, बाकी देखो मैं पर एनम गिवन था, डिवाइडेड बाय करेंगे 2000 आवर क्योंकि एक साल में मशीन 2000 घंटा चल रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2000 आवर करने से हमें रेट पर आवर पता चल जाएगा 0.20। अगर इसको हम लोग गलती से भी डायरेक्ट 5,200 को 2,000 से डिवाइड करते गलत हो जाएगा, लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा, एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन। और सन्ड्री सप्लाईज इंक्लूडिंग ऑयल वेस्ट, ये है जो चार्ज डायरेक्ट टू द मशीन अमाउंट टू 600 पर एनम, ये पर एनम में बता दिया, यानी सन्ड्रीज ये बता दिया है 600 पर एनम, और ये 2000 आवर से हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि एक साल में मशीन 2000 घंटा चल रहा है, तो 600 डिवाइडेड बाय 2000।
0.3. बस और तो कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग टोटल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल मशीन आवर रेट कितना हो रहा है. तो ऐड करते हैं 0.3 प्लस 0.2 प्लस 1.5 प्लस 0.75 प्लस 1.7. अच्छा तो 4.45, तो रुपीज 4.45 पर आवर ये हो गया. ठीक है, ये आ जाएगा. अब ये कौन से मेथड से हुआ बता सकते हो? ये कौन से मेथड से हुआ? हमें तो कोई मेथड नहीं बोला था. डायरेक्ट मेथड हुआ, सिंपल मेथड हुआ, या कंप्रिहेंसिव हुआ? बता सकते हो? मतलब डायरेक्ट मशीन आवर रेट कैलकुलेट किया हम लोगों ने, सिंपल मशीन आवर रेट कैलकुलेट किया, या फिर कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट कैलकुलेट किया? अगर डायरेक्ट होता है तो सिर्फ उसमें डायरेक्ट कॉस्ट आता है. बोलो कौन सा? सिंपल सेवा. मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही हम लोगों ने लिया है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही लिया है. सिंपल सेवा. अभी हम लोगों ने यहाँ पर कोई ऑपरेटर का खर्चा हमें दिया नहीं था पर्टिकुलरली, कि मशीन के ऑपरेटर का खर्चा क्या है, ये हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था. तो हम लोग बोल सकते कि ये सिंपल, वैसे कुछ बोला नहीं कि कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हम लोगों को लिखने का भी जरूरत नहीं है. अगर बोलेगा तभी हमें लिखना पड़ेगा.